पंचभौतिक चिकित्सा, यह जो चिकित्सा है ये मेरे गुरुजी वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी ने संशोधित की हुई आयुर्वेद की ही एक प्रणाली है। ऐसे नहीं है कि पंचभौतिक चिकित्सा कहीं बाहर से आई है, ये बेसिक आयुर्वेद से है। आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत जो है उन्हीं सिद्धांतों का चयन करके गुरुजी ने ये पंचभौतिक चिकित्सा उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो बिल्टअप किया है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, चरक संहिता में हम लोगों ने पढ़ा है, ये इसका एक मूलभूत सिद्धांत है, एक पिलर है, वन ऑफ द पिलर है। दूसरा कार्यकारण सिद्धांत है। तीसरा पंच महाभूतों की उत्पत्ति एवं विलीनीकरण का सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है ऋतु चक्र और प्रकृति का विचार। पांचवा सिद्धांत है बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा और छठा है अम्लक्षार सिद्धांत। अब इसमें से ये जो 6 पिलर्स है पंचभौतिक चिकित्सा के, ये सारे आयुर्वेद के ही है। मूल जो बृहत त्रयी लघु त्रयी है उनसे ही ये जो सारे सिद्धांत है वो आए हुए हैं, लेकिन उनका जो विश्लेषण है वो एक थोड़े अलग तरीके से गुरु जी ने किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अम्लक्षार सिद्धांत ये गुरु जी का एक बहुत ही विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधन है। तो अम्लक्षार सिद्धांत पंचभौतिक चिकित्सा में हम लोग द्रव्य निश्चिति से लेके रुग्ण के प्रकृति तक सभी तरह यूज करते हैं। जैसे कि औषध निर्माण है, आप सभी लोग शंख भस्म बनाते हैं या फिर प्रवाल पिष्टी बनाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें एक सूक्ष्म विचार ऐसा भी है कि ये सारे जो चीजें निकलती है वो सागर से निकलती है, समुद्र से निकलती है। तो समुद्र का पानी कैसे होता है, थोड़ा खारा होता है, जिसमें लवण रस बहुत ही प्रभावपूर्ण रहता है। तो ऐसे लवण रस में शंख एवं प्रवाल की उत्पत्ति होती है। तो साहजिक है कि जैसे कि नेचुरली उसमें लवण का जो प्रभाव है उसमें ज्यादा होता है, तो उसकी शुद्धि जो बोली है, जो समुद्र से निकली हुई द्रव्य है, उनकी सारी जो सिद्धि शुद्धियां है वो अम्ल वर्ग में बताई है। जैसे कि नींबू है या अम्ल तक्र है, तो ये जो अम्ल तक्र नींबू रस का जो प्रयोग किया है, तो इसमें ये बेसिक सिद्धांत है जो पुराने आचार्यों ने, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने यही सिद्धांत रखा था, लेकिन हम लोगों को दातार शास्त्री जी ने हाईलाइट करके बताया है कि ये सिद्धांत अम्लक्षार सिद्धांत है। जैसे कि हम लोग घर में भी बनाते हैं, नींबू का शरबत बनाते हैं, तो नींबू का शरबत जब भी बनता है तो उसमें हम लोग नींबू के रस के साथ थोड़ा लवण यानी कि सैंधव डालते हैं, फिर उसके पश्चात शर्करा, फिर पानी डाल के हम लोग शरबत बनाते हैं। तो जहां जहां भी अम्ल रस आता है तो उसका इक्विलिब्रियम या फिर उसका जो अम्ल भाव है, एकांतिक अम्ल भाव, तो उसको शरीर साधर्म्य बनाने के लिए उसके साथ कहीं ना कहीं लवण का प्रयोग जरूर होता है। तो यही है अम्ल और क्षार सिद्धांत। अम्ल और क्षार सिद्धांत हम लोगों ने अपनी कक्षा 11वीं और 12वीं में टाइट्रेशन का जो प्रयोग किया था केमिस्ट्री लैब में, तो यही टाइट्रेशन एसिड एंड बेस, इसका जो बैलेंस हम लोगों ने किया था वो अम्ल क्षार सिद्धांत ही है। मतलब अम्लक्षार सिद्धांत हमें चिकित्सा में बहुत जगहों पर मार्गदर्शन करता है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रकृति विचार में अम्लक्षार सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सभी जो प्रकृति, रुग्ण की प्रकृति परीक्षण करते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं। जैसे कि उसका जो अग्नि कैसा है, उसका वो त्वचा का वर्ण कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, तो ये सारे 30-40 जो क्वेश्चन है उसका आंसर कलेक्टिवली देख के हम लोग आखिर में बोलते हैं कि इसकी प्रकृति जो है वो पित्त प्रधान कफ है। लेकिन दातार शास्त्री जी ने जो प्रकृति विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको रुग्ण से पूछना पड़ता है और वो प्रश्न है कि उसका जन्म कौन से महीने में हुआ था। दातार शास्त्री जी ने जन्म के महीने के ऊपर से रुग्ण की प्रकृति विनिश्चय का एक आसान तरीका बताया है। जैसे हम लोगों को पता है कि जो ट्रेडिशनल त्रिदोष पद्धति की जो प्रकृति होती है, समझो आप लोग मेरी प्रकृति का परीक्षण कर रहे हो, प्रकृति विनिश्चय आपको करना है, तो हर एक व्यक्ति मेरे से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेगा। समझो 30 प्रश्न है, तो हर प्रश्न का उत्तर अपने अपने हिसाब से उसमें यस और नो लिखेगा। किसी को मेरे बाल भूरे लगेंगे तो किसी को काले लगेंगे। तो ये जो एरर है उस एरर से आखिर में जब आप दो लोग मेरी प्रकृति निकालोगे तो एक का प्रकृति विनिश्चय शायद पित्त प्रधान कफ होगा, तो दूसरा शायद पित्त प्रधान वात निकालेगा। तो
ये जो प्रकृति विनिश्चय में एक थोड़ा सा एरर आता है वो दातार शास्त्री जी ने पूरे तरह से निकाल दिया है, क्योंकि जन्म का जो महीना है वो सभी तरह से फिक्स है। मेरा जन्म का महीना जून है, तो इसमें कोई भी कभी भी मुझसे पूछे कि आपकी जन्म तिथि क्या है तो मैं उनको जून महीना ही बताऊंगा। तो इसी तरह से जन्म का जो महीना है उसके हिसाब से पंचभौतिक प्रकृति विनिश्चय किया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो ऋतु चक्र है, ऋतु 6 ऋतु के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन दातार शास्त्री जी ने 6 ऋतु के बारे में लिखा है, मैं उसको आसान भाषा में, जैसे कि अभी समर है, उसके बाद रेनी सीजन आ जाएगा, उसके पश्चात जो आएगा वो विंटर आ जाएगा। तो ठीक है, ये बेसिक 3 सीजन हम लोगों को भारतवर्ष में दिखाई देते हैं। तो जब भी जो अभी शुरू जो है, समझो समर सीजन शुरू है, तो इसमें बहुत सारे सारी धूप निकलती है, पानी कम हो जाता है बाहर नेचर में, तो ये जो सीजन है उसको क्षारधर्मी बताया गया है। फिर आगे जाके जब भी रेनी सीजन शुरू होगा, वर्षा ऋतु आएगी, तो उसमें बहुत सारा निसर्ग में बदलाव दिखेगा, सृष्टि में बदलाव दिखेगा, सभी तरफ हरियाली दिखेगी, और कहीं ना कहीं जो धूप थी पहले वो पूरी धूप निकल जाएगी और एक तरह की ठंडी हवा चलेगी। तो ये जो बदलाव आता है प्रकृति में, तो इसकी हिसाब से उसको अम्लधर्मी सीजन माना गया है। और उसके पश्चात जो सीजन आ जाता है वो शिशिर ऋतु आ जाता है। तो हेमंत और शिशिर, ये जो ऋतु है, ये दोनों ऋतु जो है वो हम जिसको विंटर बोलते हैं, तो विंटर में हम लोगों को पता होता है कि जैसे पहले रेनी सीजन में भी ठंड थी और इसके बाद विंटर में भी ठंड होती है, लेकिन इसमें एक सूक्ष्म फर्क होता है कि जो रेनी सीजन में जो ठंड होती है उसके साथ स्निग्ध गुण होता है, क्योंकि उसमें आप महाभूत के गुण होते हैं। लेकिन विंटर सीजन में, यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जो होता है, तो उसमें का आप महाभूत के जो जितने भी गुण होते हैं वर्षा ऋतु के वो निकल जाते हैं और सिर्फ शीत गुण बच जाता है। इसीलिए ये रुक्ष शीत सीजन होता है। तो ये रुक्ष शीत सीजन होता है, तो इसमें से ये प्रकृति जो हेमंत और शिशिर ऋतु होते हैं, तो ये प्रकृति के हिसाब से उभयधर्मी हेतु है। इसमें ना अम्ल प्रभाव ज्यादा है ना क्षार धर्म का प्रभाव ज्यादा है, और ये उत्तम बल की प्रकृति है। तो इसी हिसाब से अम्ल क्षार और उभयात्मक प्रकृति निकल जाती है। तो इसके जो ऋतु संधि काल है उसमें भी अलग सी प्रकृति बनती है, उसको ऋतु संधि कालीन प्रकृति हम लोग बोलते हैं। और सबसे अहम प्रकृति होती है, मैं थोड़ा अंग्रेजी महीने में चला जाता हूँ, कि जैसे आपको पता है कि वर्षा ऋतु जो होती है या रेनी सीजन जो होता है, सो जून से लेके कहीं ना कहीं सितंबर तक रेनी सीजन होता है हमारे यहाँ, तो यह अम्लधर्मी ऋतु है। लेकिन अक्टूबर हीट जैसे ही निकलती है तो बारिश कम हो जाती है और जैसे समर जैसी धूप निकलती है, और हम लोग कहते भी है कि बहुत सारी हीट निकल आती है। जैसे मई महीने में समर में जितनी धूप होती है, जितनी उष्मा होती है, उससे ज्यादा अक्टूबर हीट ज्यादा तकलीफ देती है। इसका मतलब है कि जो सृष्टि में ज्यादा आप महाभूत के गुण वर्षा ऋतु में बस गए हैं उसको खींच के सूर्य प्रकाश निकाल लेती है, तो वो आप महाभूतों के गुण निकाल लेती है। इसीलिए ये क्षारधर्मी अक्टूबर महीना होता है। लेकिन ये क्षारधर्मी अक्टूबर महीना हमारे प्रकृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही समर से रेनी सीजन चलता है तो उसके बीच में आ जाता है जून महीना जो अभी चालू है, तो ये सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम ऋतु संधि काल बोलते हैं। तो क्षार धर्म से अम्ल धर्म में सृष्टि का ये जो चलन शुरू हुआ है इसमें ये जून महीना आता है, तो ये ऋतु संधि कालीन प्रकृति होती है। और दूसरा आता है वो फरवरी में, फेब्रुवरी में आती है, तो फेब्रुवरी में भी विंटर से लेके समर तक का जो हमारा जर्नी है वो शुरू हो जाता है, तो फेब्रुवरी भी कहीं ना कहीं ऋतु संधि कालीन है। तो ये बेसिक आइडिया आने के बाद अभी जो महीना है वो जन्म का महीना नहीं पकड़ना है। जन्म का महीना पकड़ने से इससे बजाय जब भी हमारा जन्म होता है अपने गर्भाशय में, जब भी शुक्र शोणित इकट्ठे हो जाते हैं और वहां जीवात्मा प्रवेश होता है, तो ये दूसरे महीने में रक्त धातु बनता है। पहले महीने में रस धातु, दूसरे में रक्त धातु। तो अपनी जो प्रकृति होती है वो रक्त धातु पे निर्भर करती है। इसीलिए जिस महीने में हमारा जन्म हुआ है उसके
आगे चल के 5 महीने या पीछे जाके 7 महीने हमें जो ऋतु प्राप्त होता है उस ऋतु में हमारा रक्त धातु तैयार होता है। समझो किसी का जन्म मार्च महीने में, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो है वो मार्च की है, तो मार्च के आगे हम लोग 5 महीने निकलेंगे तो अगस्त महीना आ जाता है। तो इसका मतलब है उसका जो रक्त धातु बना है वो अगस्त महीने में बना है। और अगर अगस्त महीना कैसे है तो ये बहुत सारा मतलब रेनी सीजन अच्छे से जम जाता है, बहुत सारा आप महाभूत के गुण जो है वो प्रकृति में दिखाई देती है। और इसी तरह वो जो प्रकृति होती है जिसका डेट ऑफ बर्थ मार्च का है तो उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लधर्मी प्रकृति। तो इसी हिसाब से आप आगे जाके किसी का भी प्रकृति परीक्षण जो है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ का जो महीना होता है उस महीने में आगे जाके 5 महीने मिलाने हैं। तो 5 महीने में जो महीना निकलेगा वो अम्लधर्मी है या क्षारधर्मी, उभयात्मक, ऋतु संधिकालीन, ये आपको देखना है और वही उसकी प्रकृति। तो बहुत सारी मतलब जो एरर्स है वो इस प्रकृति विनिश्चय से निकल जाती है। तो ये अम्ल क्षार सिद्धांत और प्रकृति विचार पांचभौतिक चिकित्सा का बहुत अहम है। आगे जाके पांचभौतिक चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, वो है निदान। जैसे कि त्रिदोष पद्धति में नाड़ी का परीक्षण करते हैं, नाड़ी परीक्षा की जाती है, वैसे पांचभौतिक चिकित्सा में हम लोग उदर परीक्षण या नाद परीक्षा करते हैं। इसके बारे में मेरे बुक्स में लिखा हुआ है, जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए यूट्यूब पर मेरे वीडियो भी है उदर परीक्षण के बारे में, या मेरा पेज है मेरे नाम का फेसबुक पे, वहां भी आपको उदर परीक्षण के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो उदर परीक्षण या नाद परीक्षा यकृत प्लीहा और मूत्रपिंड के नाद एवं उनका जो पीड़न सहत्व है वो देख के करते हैं। फिर उसके पश्चात जो आता है वो पूर्व व्याधि वृत्तांत। जैसे कि हमें पता होता है कि पास्ट हिस्ट्री में कौन से व्याधि हो चुके हैं, इन पूर्व व्याधि का अभी जो फिलहाल सद्यो व्याधि है या प्रेजेंट सिचुएशन है रुग्ण की, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि कामला का इतिहास है, शीतला रोमांतिका का इतिहास होता है, तो इन सारी चीजों में रक्त में बहुत सारा क्षारधर्मी पित्त जम जाता है, या फिर ऐसे समझिए कि रक्त में क्षार धर्म का प्रभाव चलता है। तो अगर ये प्रभाव हम नहीं कम करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं क्षार धर्मी व्याधियां हो जाती है, जैसे कि बॉयल्स निकलना या फिर पिंपल्स जिसको हम मुखदूषिका कहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग पाइल्स जैसी बीमारी होती है। तो ये सारी उष्णताजन्य बीमारियां जब भी दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं ये कामला विसर्प ऐसे व्याधि का जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें होते रहते हैं। कहीं कभी कभी हमें पास्ट हिस्ट्री में रुग्ण बताते हैं कि मेरा सर ये ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि समझो लेडी है तो उसकी हिस्टेरेक्टोमी हो गई है, उसका गर्भाशय निर्हरण हो गया है। तो गर्भाशय निर्हरण या गर्भाशय किसी कारणवश अगर निकालना पड़े तो स्त्री के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हम लोग निकाल देते हैं। ये तो मतलब बहुत कॉमन सर्जरी आजकल हो गई है, लेकिन इसका जो उस स्त्री रुग्णा के शरीर पे जो दुष्परिणाम दिखाई देता है वो बहुत आगे जाके उसको विविध व्याधियों का न्योता देता है। क्योंकि स्त्री शरीर में गर्भाशय का जो स्थान है वो पृथ्वी महाभूत के समान होता है। आपको पता है कि पृथ्वी महाभूत के जो जो गुण कर्म है वो सारे गुण कर्म स्त्री के शरीर में गर्भाशय करता है। जैसे कि बाहर सृष्टि में पृथ्वी महाभूत में एक पेड़ चलता है कि हमने बीज बोया, उसको पानी, खत, खाद डाला तो एक अच्छे से पेड़ निकल आता है। तो वैसे ही स्त्री शरीर में गर्भाशय एंडोमेट्रियम ये मतलब मिट्टी के समान काम करता है। शुक्र शोणित इकट्ठे आने पर वहीं पे एक नया जीव अंकुर लेता है और वो आगे जाके 9 महीने के बाद एक जैसे कि बाहर सृष्टि में पेड़ या वृक्ष होता है, उसी तरह एक बच्चा वहां से एक शिशु निकल आता है। तो जैसे जैसे आप इस पर विचार करोगे कि बाहर सृष्टि में जो पृथ्वी महाभूत के गुण कर्म दिखाई देते हैं वो सारे गुण कर्म आपको गर्भाशय में दिखाई देंगे। तो अगर ये गर्भाशय ये पृथ्वी निकाल ही दे दी तो शरीर में 5 महाभूतों का असंतुलन दिखाई देता है।
आप समझ लो कि पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पांच महाभूत हैं। पृथ्वी और आप महाभूत इनका एक इकट्ठा ग्रुप है जो संतर्पण करने में मदद करता है, और दूसरा अग्नि वायु और आकाश महाभूतों का एक गठ है, उनका जो गठ है वो अपतर्पण करने वाला है। समझो इनका इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, इसीलिए हमारा शरीर आज तक टिका हुआ है। समझो हमारे शरीर से हम लोग एक बल्क पृथ्वी महाभूत निकाल देते हैं तो उसके जो ऑपोजिट महाभूत होते हैं वायु तेज और आकाश वो अचानक से बढ़ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का अभाव ही वायु महाभूत का बढ़ना है। समझो आपके गार्डन में आप लोगों ने एक बड़ा सा गड्ढा निकाला और वो गड्ढे से मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दी। वो मिट्टी बाहर निकालने के बाद वो गड्ढे में क्या आपको दिखाई देगा? तो वहां तो एक अवकाश निर्माण हुआ, गड्ढे में एक अवकाश निर्माण हुआ और उस अवकाश में वायु का संचरण होता है। इसी तरह गर्भाशय जब हम लोग निकाल लेते हैं स्त्री शरीर से तो वहां एक गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में वायु और आकाश महाभूतों के गुणों की विकृत वृद्धि होने लगती है। और जैसे जैसे वायु की वृद्धि होती है तो वायु का जो सखा उसका जो क्लोज फ्रेंड होता है तेज महाभूत उसके भी गुण बढ़ने लगते हैं। हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हिस्टेक्टोमी हो जाती है तो आगे जाके पोस्ट मेनोपोजल सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो सारे के सारे अग्नि वायु आकाश महाभूत प्रधान गुणों के दिखते हैं, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस, ये तो हमेशा ही दिखाई देते हैं। गर्भाशय निर्हरण करने के बाद तो तुरंत ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो ठंडा और गर्म, तेज और वायु महाभूत, ये दोनों महाभूतों के गुण वहां दिखाई देने लगते हैं। उसके पश्चात ऑस्टियोपोरोसिस जैसी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि हड्डी से समझो कैल्शियम निकल रहा है, मतलब वहां से कहीं ना कहीं पृथ्वी निकल रही है, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई दे। तो आप जैसा जैसा सोचते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि गर्भाशय निर्हरण मतलब स्त्री शरीर से पृथ्वी निकालना और अग्नि वायु और आकाश गुणों की विकृत वृद्धि करना। ऐसे ही आगे जाके ट्यूबेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी तो आपको पता है कि वो जो ट्यूब्स है वो लाइगेट कर लेते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब्स। तो आगे आगे जाके अवरोधजन्यवाद के बहुत सारे लक्षण उस स्त्री में दिखाई देते हैं और उसमें कमर दर्द, कमर की जकड़ाहट रहेगी या फिर अधोदर में शूल, बहुत सारी कष्टार्थों जैसी चीजें अवरोधजन्यवाद के दिखाई देते हैं। रिपीटेडली डी एंड सी डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं तो हम लोग एक तरह से स्त्री शरीर से पृथ्वी ही निकाल देते हैं, क्योंकि उससे जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर के सृष्टि में जो मिट्टी निकलती है उसका ऊपरी लेयर जैसे होता है। तो ऐसी सारी चीजें आपको पंचमहाभूत चिकित्सा के हिसाब से आप जब भी विचार करोगे तो आपकी जो चिकित्सा है उसमें बहुत सारा सूक्ष्मत्व आ जाएगा। फिर आगे जाके दातार शास्त्री ने एक और चीज लिखी है अध्वशोष, आठ प्रकार के शोष लिखे हुए हैं लेकिन अध्वशोष ये दातार शास्त्री ने अलग सा एक लिखा है। अध्व मतलब बहुत सारा ट्रैवलिंग, लॉन्ग जर्नीज, जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं उनमें अपतर्पण के हेतु दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है चरक जी ने बताया कि आहव और आतप मतलब सूर्य किरण और वायु ये दो जो चीजें हैं वो अपतर्पण करने वाली होती है। तो जो लोग हमेशा से लॉन्ग ट्रैवल करते हैं 1,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर तो इन लोगों में अधोशोष के अलग से सिम्टम दिखाई देते हैं। और दातार शास्त्री जी का निरीक्षण ऐसे है कि अधोशोषी व्यक्ति में उसकी प्लीहा पे बहुत सारा मतलब बदलाव दिखाई देता है। प्लीहा के जो नाद होते हैं वो अत्यंत घन उसकी मतलब स्टोनी डल नोट आ जाती है प्लीहा पे। फिर लेफ्ट साइड की जो सिम्टम्स है वो अधोशोषी व्यक्ति में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि लेफ्ट शोल्डर पेन या फिर लेफ्ट नी जॉइंट पेन, लेके सिर दर्द होता है तो भी वो वाम अर्धाभेदक जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो एक अलग दातार शास्त्री जी का संशोधन है। तो इकट्ठा मिला के हम लोग देखेंगे तो दातार शास्त्री जी ने आयुर्वेद पिन पॉइंट करने हेतु कुछ चीजें अलग से अपने सामने, जैसे कि एक इंटीरियर डेकोरेटर आपके घर को सजाता है वो क्या करता है कि आपके घर की ही चीजें एक अलग नजरिए से एक अच्छी सी सौंदर्य दृष्टि से वो अरेंज करता है, फिर आपको ही लगता है अरे मेरा ही घर कितना सुंदर हो गया। तो इसी तरह दातार शास्त्री जी ने
आयुर्वेद को एक पंचभौतिक के एंगल से, बहुत ही सूक्ष्म चिकित्सा विचार से उसको रीअरेंज किया है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्वास्थ्य की व्याख्या बता दे हैं, समदोषाः समाग्रेशः समधातुः मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रियः मनस्वस्थ इति अभिधीयते। हम सभी को ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने ये श्लोक पंक्तियां जो है वो हम लोगों ने पता कर ली थी, लेकिन इस श्लोक पंक्ति का जो सूक्ष्म विचार है वो सूक्ष्म विचार दाता शास्त्री जी ने बताया है वो मैं बताने जा रहा हूं कि आकाश महा शरीर में, किसी भी इंसान के शरीर में जो आकाश महाभूत होता है, उस आकाश महाभूत का अवकाश अगर प्राकृत है तो ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर उस व्यक्ति के शरीर का आकाश महाभूत का अवकाश व्याप्त है, विकृत है, तो वो व्यक्ति रोगी है। एक आसान भाषा में, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। समझो कि अपने शरीर का जो बृहद अवकाश है वो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में है, अपने अन्नव स्रोतस में है। समझो आपके पास, आपके सामने एक रुग्ण बैठा है और वो रुग्ण बता रहा है आपको कि उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन, उसकी मल प्रवृत्ति जो है वो ठीक से नहीं होती, दो दो तीन तीन दिन के बाद उसको मल प्रवृत्ति होती है। तो जो भी वो खाना खाता है उससे जो पुरीष बनता है, उससे जो बड़ी आंत्र है, जो बृहद आंत्र है, उसमें वो सारा फीकल मैटर पुरीष जमा होते रहता है। इसका मतलब उसके शरीर का आकाश का अवकाश मल से व्याप्त हो गया है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं रोगी है। क्यों रोगी है? तो अगर इस कॉन्स्टिपेटेड लोगों की आप हिस्ट्री लोगे तो बहुत सारे लोग आपको बता दें कि शारीर एवं मानस लक्षण बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है वो बोलते हैं कि सर मुझे सुबह फ्रेश नहीं लगता, 8 घंटा सो जाऊं तो भी अच्छा नहीं लगता, शरीर बहुत भारी लगता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। जिस दिन टॉयलेट साफ हो जाता है उस दिन एकदम हल्का महसूस होता है, फ्रेश लगता है और मैं एनर्जेटिकली बहुत सारे काम कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि आकाश का अवकाश जब भी निकल जाता है, मल शुद्धि व्यवस्थित एकदम प्राकृत जैसे मल शुद्धि हो जाती है, तो उससे शरीर और मन पे अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। इसका मतलब है आकाश महाभूत का अवकाश प्राकृत रहना ही शारीर एवं मानस स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। तो इस तरह से दातार शास्त्री जी ने पांचभौतिक चिकित्सा अलग से रखी है। इसमें और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो है औषध सेवन काल, अनुपान और दातार शास्त्री जी के कल्प। ये बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। दातार शास्त्री जी ने औषध सेवन काल बहुत ही गिने चुने रखे हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे, अपान काल में और भोजन के बाद, ध्यान और उदान काल में। तो इतने ही कालों पे हम लोग ज्यादातर मेडिसिन देते हैं। इसमें कभी कभार स्वप्न काल आ जाता है या समान काल आ जाता है। तो ये जो है वो औषध सेवन काल है। इसके बाद आता है औषधि कल्प। आप लोगों को तो पता होता है कि आयुर्वेद में ढेर सारे औषधि कल्प है। चूर्ण से लेके बुटी वटी असव अरिष्ट तक अगर गिनती करोगे तो कुछ हजार लाख भी आपको आयुर्वेद की औषधियां दिखेंगी। लेकिन दातार शास्त्री जी ने सारा आयुर्वेद, सारे जो आयुर्वेद के कल्प है वो सॉर्टिंग करके उनमें से गिने चुने 20 कल्प उन्होंने निकाले हैं। तो इसका मतलब है कि पांचभौतिक वो सिर्फ 20-20 जो कल्प है उस पर ही निर्भर है। मेरे पास जितने भी कल्प है उसमें से 10 या 11 कल्प मैं रोज की मेरी ओपीडी में यूज करता हूँ। तो 10 और इसका यूज, ये और वैशिष्ट है कि दातार शास्त्री जी की जो पांचभौतिक चिकित्सा है वो अति सूक्ष्म हो गई, क्योंकि उसमें जो मेडिसिन है वो सिर्फ 20 है 20 मेडिसिन है और उसका प्रयोग करके हम लोगों को चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब 20 कल्प में हम लोग आदमान आटोप से लेके पक्षाघात और कैंसर तक के सारी चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं। आफ्टर
लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ 28-29 ईयर्स में ये कह सकता हूँ कि आप अगर ये 20 कल्प खुद बनाओगे तो आपकी चिकित्सा के लिए ये काफी है। तो मुझे लगता है कि आयोजकों ने मुझे जो इंट्रोडक्शन के लिए कहा था तो पंचभौतिक चिकित्सा का एक इतना इंट्रोडक्शन काफी है, क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय है वो उस पर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे आयोजकों ने बताया था कि आप बहुत हफ्तों से आप वात व्याधि पर जो कल्प है उन पर आप लोग विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो मैं भी मेरा कुछ जो थोड़ा बहुत मेरे पास है और आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही विनम्रता से मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ कल्प बताने के बजाय आपको थोड़ा बहुत पंचभौतिक का वात व्याधि में जो विचार है वो बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि वात दोष तत्र वा गति गंधने यो रीति वायु, तो ये तो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन जब भी वात पित्त कफ ऐसे त्रिदोष होते हैं तो जो पंचभौतिक चिकित्सा में जब हम लोग ये त्रिदोषों का विचार करते हैं तो वायु वात दोष का विचार वायु और आकाश महाभूत इन दो चीजों में उसका सॉर्टिंग हो जाता है, क्योंकि वात दोष जो बना है वो वायु और आकाश महाभूत इन दो महाभूतों के गुणों से वात दोष बना है। तो जब भी हम लोग वात विकार इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वात व्याधि पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो पंचभौतिक के हिसाब से आपको वायु और आकाश महाभूतों का विचार करना होगा। ये गति जो वायु महाभूत है वो गति युक्त है। आपको पता है कि गति ये शब्द आ जाता है, गति से हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि हमारा एक फ्रेंड होता है कि हमको चाय पीने नहीं जाना है, लेकिन अपना जो फ्रेंड होता है वो बता चल रहे तो हमको धक्का लगा के हम लोगों को ले जाता है। तो ये जो धक्का लगाना है प्रेरणा है, उत्साह बढ़ाता है कि एक आध काम अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो मित्र होता है वो कहीं ना कहीं उसको गति देता है, प्रेरणा देता है। इसीलिए शरीर के जो काम होते हैं, ये अच्छे यावत अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, जो हम लोगों का संतर्पण करने वाले हैं, अपतर्पण करने वाले हैं, व्याधि निर्माण करने वाले या व्याधि ठीक करने वाले भी है, ये सारी चीजें वात दोष या वायु और आकाश महाभूत ही करता है। तो जब भी हम लोगों को बात करनी होती है, कुछ पेन लेना होता है या चलना होता है तो उसके पीछे एक ही बंदा है, वो है वात दोष। माइक फिर से ऑन कीजिए, मैंने सबके माइक एक साथ ऑफ कर दिए थे थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से। हेलो माली सर, आपका माइक फिर से ऑन कीजिए। हेलो 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 अभी आ रही है अभी आवाज। हेलो, आवाज है तो हाँ ये अभी तो तो अरे आवाज इसकी है। तो हाँ वो म्यूट ऑल कर दिया था इसलिए वो सबके बंद हो गए थे। ओ हेलो, हाँ कंटिन्यू करो मी। सर कंटिन्यू करा। हेलो, हाँ ओके ओके। हाँ तो हम लोगों का पता है कि वात दोष, इसके आगे वायु और आकाश महाभूत का विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो एक पहली चीज है वो गति या उत्साह या प्रेरणा, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जाके हमको वात दोष या वायु महाभूत का अगर विचार करना होता है तो वो अमूर्त बताया गया है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, उसको एक स्थूल जो मूर्ति होती है वो नहीं है। इसीलिए जब भी वात व्याधि या वायु महाभूत का अगर विचार करना है तो उसका विचार हम लोगों को उसके कार्य से ही होता है। जैसे कि मेरे टेबल पे एक समझो पन्ना पड़ा हुआ है, अगर वो उड़ के टेबल से नीचे जाके गिरता है तो उसको पता हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं से हवा आ रही है। तो कार्य से ही वात दोष का हमें परिणाम जो है उसका पता चलता है। इसीलिए कहीं भी शरीर में वात दोष से व्याधि बनता है तो उसको ढूंढना और ठीक करना, उसकी चिकित्सा करना, ये बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन उसको उसका जो कर्म है
उस कर्म का हिसाब लगा के हम लोगों को ट्रीट करना पड़ता है। तो इसीलिए वात व्याधि जो होते हैं उसके दो टाइप आचार्य ने बताया है, सामान्य और नानात्मज। उसमें नानात्मज जो होते हैं, जो सिर्फ वात या सिर्फ पित्त या सिर्फ कफ से बनते हैं, उसमें सिर्फ वात दोष से होना रहे 80 विकार नानात्मज विकार आचार्यों ने बताए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वात का ही कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी पित्त और कफ का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता। इसीलिए ये जो 80 वात विकार है, नानात्मज विकार है, ये ट्रीट करने में बहुत ही तकलीफ देते हैं। आपको दो चार व्याधि के नाम बताता हूं। नख भेद है, विपादिका है, पाद भ्रंश है, पिंडी को वेष्टन है, रुद्रसी है, पांगुल्य, बुद भ्रंश है, उपजता। आप देखेंगे 80 विकार है पक्षवत तक। तो ये सारे विकार ऐसे हम लोग जैसे उर्ध्व अम्ल पित्त ट्रीट करते हैं, इस तरह से ये व्याधियां ट्रीट नहीं होती, क्योंकि उसके रिलैप्सेस होते रहते हैं, उसके रिलैप्सेस होते रहते हैं। जैसे कि पक्षवत है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, अगर ठीक भी हो पाता है तो रुग्ण जैसे व्याधि पूर्व बल उसका होता है, वैसे वहां तक उसकी प्रगति नहीं हो पाती है। इसीलिए वायु का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। अभी व्याधि का पता तो हमको लोगों को चल गया कि ये वात व्याधि है, तो वात से व्याधि कैसे बनते हैं, तो आचार्य ने एक ही लाइन दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान व्याधि की लाइन है। वायु धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरण, मतलब जो भी वायु वात दोष है वो धातु क्षय से बढ़ता है या फिर मार्ग अवरोध से बढ़ता है, बस हो गया। तो समझो अगर एकाध वात विकार हो गया है और उसके हम लोगों को चिकित्सा करनी है, या त्रिदोष से करनी है, पंचकर्म से करनी है, या पंचभौतिक चिकित्सा के हेतु करनी है, तो हमें यही सोचना है कि ये जो वात व्याधि दिखाई दे रहा है तो ये धातु क्षयजन्य से है या मार्ग अवरोध से है। ठीक है, दो ही चीज है, धातु क्षय से है, अपतर्पण से है या संतर्पण से है। अगर क्षयात है मतलब अपतर्पण से है, तो पांचभौतिक हिसाब से उसमें तेज वायु और आकाश महाभूतों के गुणों की वृद्धि कहीं ना कहीं हुई। फिर अगर तेज वायु और आकाश विकृत बढ़ गए हैं तो वहां पे जो हमें चिकित्सा करनी होती है वो बहुत आसान है, उसके विरुद्ध गुणों की चिकित्सा। इसके मतलब अग्नि, उसका जो अग्नि है, अग्नि बल अच्छा करके फिर उसको पृथ्वी और आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि करनी। ठीक है, और जैसे मार्गावरोधजन्य व्याधि है, वात व्याधि है, मार्गावरोधजन्य वात व्याधि है, तो वहां पहले से ही पृथ्वी और, क्योंकि मार्गावरोध तो दो ही चीजें करती है, पृथ्वी महाभूत करता है या आप महाभूत करता है, तो पृथ्वी और महाभूतों से जो अवरोध हुआ है वो अवरोध निकालने के लिए हम लोगों को उसके विरुद्ध गुणों की आवश्यकता होती है। उसका मतलब तेज वायु और आकाश। एक आसान एग्जाम्पल देता हूं, अब जो सीजन शुरू हुआ है, ऋतु संधि काल है, कहीं ना कहीं बारिश शुरू हो गई है, क्लाउड्स आ रहे हैं, तो हमारे पास अपने जो इस सीजन में आने वाले रुग्ण है वो है तमक श्वास के रुग्ण। तो तमक श्वास के रुग्ण हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग अलग अलग से मेडिसिन दे दे, कोई श्वास कुठार रस देगा, कोई वासकासव देगा। इसमें एक ही विचार होना चाहिए कि संप्राप्ति जो है वो मार्ग अवरोध से है, मार्ग का अवरोध होने से, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कफ बड़ा है, जहां आकाश महाभूत का अवकाश होना चाहिए ट्रकिया में या अल्वियोलाई तक, तो उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी और आप महाभूतों के गुणों से बना हुआ कफ जाके बैठा है। इसीलिए वहां से ठीक से उसका जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, वो नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों का जो चिकित्सा मंत्र है वो यही है, जो पंचकर्मी वैद्य है वो क्या करेंगे कि वो जो बलगम है अटका हुआ वो मवन दे के निकाल देगा। अगर दूसरा कोई है त्रिदोष वाला, मैंने कहा वैसे कि वो श्वास कुटार आर्द्रक स्वरस में दे देगा। दोनों का हेतु एक ही है कि आर्द्रक स्वरस उष्ण तीक्ष्ण है, श्वास कुटार भी उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष है, अग्नि वायु प्रधान है, तो इससे वो कफ निकल जाएगा। तो इसी तरह पंचभौतिक चिकित्सा में हम लोग
तमक श्वास का रुग्ण आता है तो उसके लिए हम लोग नागरादि काढ़ा देते हैं। नागरादि काढ़ा में चार ही द्रव्य, नागरम पुष्करम बूलम गुरुचि कंठकारिका। अगर इसका क्वाथ बना के हम लोग दे दे तो उससे तमक श्वास का जो वेग है वो बहुत अच्छे से कम हो जाता है। मतलब वो जो द्रव्य होते हैं वो सारे नागरम पुष्करम मूलम गुरुचि कंठकारिका, ये चारों अगर द्रव्य देखेंगे तो ये तेज वायु और आकाश महाभूत प्रदान। ठीक है, अभी इसमें से एक छोटा सा सूक्ष्म व्याधि चिकित्सा का विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त है, मेरे एक गुरु बंधु है कि जो तमक श्वास में श्वास कुटार उसको चाटन करते लेहन करते दे रहे हैं, और मैंने मेरे रुग्ण को जो है वो क्वाथ कल्पना बना के दी है, नागरादि क्वाथ। अभी देखिएगा कि इसमें जो पांचभौतिक चिकित्सा का जो हेतु है, जो उसका जो विचार है वो बहुत स्पष्ट है। अगर कफ है तो उसमें पृथ्वी और आप महाभूत। अगर हम लोग श्वास कुटार रस आर्द्रक स्वर से दे देंगे मुहुर मुहु, तो उससे कफ निकालने में रुग्ण को बहुत सारी तकलीफ होगी। तो यहाँ पंचभौतिक विचार कैसे आ जाता है? तो पंचभौतिक विचार नागरादि क्वाथ जो होता है, नागरम ये जो नागरादि के चार कंटेंट्स है उसको क्वाथ बना दिया हम लोगों ने, और गरम गुनगुना क्वाथ दो दो चम्मच दो दो चम्मच उसको हम लोग मुहुर मुहु दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो मैंने कहा कि पंच महाभूतों का जो विलीनीकरण क्रम है उसका विचार करके ये नागरादि क्वाथ यहाँ दिया है। तो जो कफ है बलगम है, जो कफ है वो नागरादि से जो कंटेंट है उससे वो छूटेगा और द्रव कल्पना की वजह से उसमें डिजॉल्व होके आसानी से निकलेगा। मतलब कफ छेदन और कफ का निष्कासन इकट्ठे ये क्वाथ से होगा। पृथ्वी आप महाभूत में विलीन होती है, ये एक आसान सिद्धांत हम लोगों ने तमक श्वास के इस अवस्था में यूज किया है। तो इसी तरह से आप लोग क्लिनिकली पंचभौतिक चिकित्सा सूक्ष्म सूक्ष्म विचार करके आप यूज कर सकते हो। तो जहां जहां आपको क्षय से धातु क्षय से आपको वात वायु आकाश की वृद्धि होती है तो वहां वात की अनियंत्रित विकृत वृद्धि होती है, और वहां वात वृद्धि या वात प्रकोप जन्य अन्य व्याधि दिखाई देंगे। तो बाकी जो मार्गावरण से जो व्याधियां होती है वहां एक्चुअल पृथ्वी और आप बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से आकाश का अवकाश कम हो जाता है और उस कम अवकाश में शरीर का जो वात है उसका संचरण कम अवकाश में होने से उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, तो मेरे मुंह का जो अवकाश है वो बहुत बड़ा है, उतना ही फोर्स अगर मैं सीटी बजाने के लिए यूज करूंगा तो आपको पता होगा कि मैंने उतना ही जितना कि एक शब्द बोलने के लिए मैंने हवा बाहर निकाली है वहां तो साउंड आया नहीं, लेकिन जब भी छोटी जगह से उतनी ही हवा निकलती है तो उससे वायु का वेग जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे ही डीजिंग साउंड हम लोगों को तमक श्वास में दिखाई देती है, क्योंकि वहां आकाश कम हो जाता है, अवकाश कम होने से वो जो वायु है वो छोटे अवकाश में बंद हो जाता है, इसीलिए उसकी गति बढ़ती है, उसका मार्गावरोध होता है। तो इस तरह से वात व्याधि जो है वो पंचभौतिक चिकित्सा के हेतु दो गटों में जाते हैं, या तो पृथ्वी आपके गुणों की वृद्धि से बन जाते हैं या तेज वायु आकाश के गुणों की वृद्धि से। तो यहाँ तक वात व्याधि का मैंने सॉर्टिंग कर दिया। आपको देखना है कि 80 नानात्मज विकार पृथ्वी और आप बढ़ने से हुए हैं या अपतर्पण से, मतलब तेज वायु आकाश से हुए। तो आगे जाके हम लोग इस दो गटों का और थोड़ा विचार करेंगे कि आपको पता है कि हम लोग सारे वैद्य हैं, हमें सिर्फ सॉर्टिंग नहीं करना है, हम लोगों को चिकित्सा करके उस रुग्ण को ठीक करना है। तो आपको सिर्फ ए और बी में अगर सॉर्टिंग होता है, ए जो है पृथ्वी और आप मतलब मार्गावरोध जन्य वात व्याधि है, तो उसके विरुद्ध गुणों की चिकित्सा तेज वायु आकाश द्रव्य आपको यूज करने हैं, और अगर वैसा वैसा तेज वायु आकाश गुणों से अगर व्याधि की निर्मिति हुई है, अपतर्पण जन्य व्याधि है, तो उसको संतर्पण चिकित्सा करनी होगी। तो विरुद्ध गुणों की चिकित्सा इतना आसान है हम लोगों को, मतलब वहां
जब भी आप लोग व्याधि का विनिश्चय करोगे हेतु और व्याधि के लक्षणों के हिसाब से, तो उसी वक्त आपको अपने चिकित्सा के जो द्रव्य है या कल्प है वो उसी वक्त आपके सामने आ जाएंगे। चिकित्सा करने में आपको थोड़ा भी सोचना या विचार करना नहीं पड़ेगा। या अगर पृथ्वी आपके गुणों से व्याधि निर्माण हुआ है तो तेज वायु आकाश की द्रव्य देनी है, मतलब आपके जो जो कल्प संग्रह रहेगा तो उसका भी आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा कि कौन से कल्प पृथ्वी आप संतर्पण करने वाले हैं और कौन से अपतर्पण करने वाले हैं। तो जाते जाते एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लोगों के पास कभी कभार रुग्ण आ जाते हैं कि जानु जानु संधि या जो पर्व संधि होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, कि उसमें स्तंभ हो जाता है, कि जैसे समझो एक हाथ व्यक्ति लिख रहा है अपने पेन से और बीच में उसका जो उसकी जो उंगली है उसके जो पर्व संधि है वो स्टिफ हो जाती है, और फिर आगे जाके उसको थोड़ा मॉलिश करना पड़ेगा, गर्म पानी में डुबोना पड़ेगा, या फिर वैसे ही जानु संधि में हो जाता है। तो ये जो है ये स्तंभ टेम्पररी स्तंभ होता है, क्योंकि वहां का जो वायु महाभूत है वो बड़ा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं मार्ग का अवरोध होता है। तो यहाँ हम लोग एक आसान तेल यूज करते हैं, वो है कटुकी का तेल। आपको कटुकी तो पता है, पिक्रोराइजा कुरुहा कटुकी। तो कटुकी जो है वो कड़वी होती है, आकाश और वायु महाभूतों के गुणों की होती है। तो ये जो कटुकी है उसका कोकोनट ऑयल में तेल सिद्ध करना होता है, खोबरे का तेल लेके उसमें कटुकी डाल के उसका तेल सिद्ध करना होता है। और ये जो कटुकी का तेल है ये इस तरह के जो टेम्पररी स्तंभ हो जाते हैं वहां पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप दे सकते हैं। एक या दो एप्लीकेशन में वहां का स्तंभ तुरंत निकल जाता है, क्योंकि तो वहां शुद्ध वायु की चिकित्सा करनी होती है। वहां का जो स्तंभ है उसके लिए कुटुकी आकाश वायु प्रदान होती है, और खोबरे का तेल नारियल का तेल जो होता है वो आप कहाँ बनता है तो जमीन से। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, कम से कम 20-30 फीट ऊंचा होता है, उसके अंदर नारियल होता है, नारियल के अंदर तेल बनता है। तो आकाश के अवकाश में बना हुआ ये तेल होता है, इसीलिए वो आसानी से आकाश के अवकाश को, इसमें जो है आकाश के गुण भरपूर होते हैं। आकाश का पहला गुण है सूक्ष्म गुण, तो सबसे सूक्ष्म गुणों का तेल मतलब कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। तो नारियल का तेल इजीली अंदर जाएगा, और वात का जो प्रमुख तीन जो महाकल्प बताए कि वात का तेल, पित्त का घृत और कफ का मधु, तो तेल है तो वात का शमन तो होगा ही। तो ये कटुकी का तेल किसी भी स्तंभ पे, मांस या टेंडोन के स्तंभ में बहुत अच्छे से उपयोग में आ जाता है। तो मैंने कहा वैसे कि ये नानात्मज विकार है। नानात्मज विकार में पांच जो अपने शरीर के वायु होते हैं उसका जो प्रभाव होता है उससे जिस जिस स्थान का वायु का प्रकोप होता है वहां वहां उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो पांचों की चिकित्सा में दातार शास्त्री जी ने अपने शरीर के पांच अंगों को पांच महाभूतों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अपने जो कटी अधो भाग है वहां पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है, कटी से लेकर नाभि तक, नाभि के नीचे तक आप महाभूत का आधिक्य होता है। नाभि के यहाँ तेज महाभूत, नाभि से लेके डायफ्राम तक तेज महाभूत का, डायफ्राम से लेके मन्या तक वायु महाभूत का, और ऊर्ध्व जत्रुगत भाग जो होता है वो भाग आकाश महाभूत का होता है। तो इसी तरह पुरस्थान जो बोला है वो पंचभौतिक चिकित्सा हेतु प्रधान हम लोग विचार करेंगे तो वो वायु महाभूत के अंडर आता है। तो वहां आपको पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन क्या, या फिर बाहर की जो वायु महाभूत है वो अपने शरीर में वहीं से लिया जाता है, तो इसीलिए उरस स्थान वायु का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान माना गया है। तो हम लोगों ने देखा है कि शरीर में एक ही वायु है, लेकिन अपने शरीर के कार्य हेतु उसके पांच प्रकार किए हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। आपको पता है कि अपान अनुलोमन होता है, नीचे से अपान निकल जाएगा, कि मूत्र, पुरीष, गर्भ, अर्थ, ये सारी चीजें बाहर निकालना ये अपान वायु का कार्य होता है। तो आपको पता है कि नवेगान धारणियम अध्याय में आचार्य वाग्भट जी ने बहुत सारे अधारणीय वेग, 13 अधारणीय वेग बताए। उसमें
अपान वायु का जो श्लोक है उसमें आप लोग उसके जो कंटेंट्स है वो अगर आप याद करोगे, आपको पता होगा कि अपान वायु का अगर अवरोध हो जाए तो उसमें से आपको श्वास, प्रतिशय, अपस्मार, ब्लड प्रेशर इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। अपान वायु अगर प्रतिलोमित होता है तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, और ये लक्षण श्वास, अपस्मार, प्रतिशय या फिर ध्यान की गति बढ़ना, तो आपको पता होगा कि अपान प्रतिलोमित होता है तो अपान समान को लेके, समान और अपान मिलके ध्यान की तरफ जाते हैं, और ये तीनों मिलके उदान और उदान और बाकी तीन मिलके प्राण पर आक्रमण करते हैं। इसी तरह अगर अपान वायु प्रतिलोमित होता है तो वो प्राण वायु की गति बढ़ाता है, उसके कार्य में विकृति लाता है। इसीलिए अगर श्वास कष्टता है तो उसमें आकाश का अवकाश जो है वो खुला करने के लिए हम लोग अगर बस्ती भी दे देते हैं या फिर विरेचन दे देते हैं तो उससे बृहद अवकाश खाली हो जाता है और श्वास का जो वेग है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये श्वास के लिए पंचभौतिक चिकित्सा क्या कहती है, तो ऐसे ही जो वायु के व्याधि होते हैं, तो गर्भिणी में आपको पता होता है कि प्री एक्लाम्प्सिया जैसी स्टेज होती है कि उसके पाद पे शोक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ये सारी चीजें होती है, प्रोटीन यूरिया होता है, तो आगे जाके तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कहीं ना कहीं उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोलेबल हो जाए, इसीलिए उसको जो गर्भ है वो निकाल देना पड़ता है, उसको अबॉर्शन करवाना पड़ता है। लेकिन ऐसे कई सारे प्री एक्लाम्प्सिया के केसेस मैंने गुरुजी के अनुभव से मैंने देखे हैं, उनके अंडर मैंने ट्रीट भी किए हैं, तो वहां अपान का अगर हम लोग अनुलोमन करेंगे तो ये सारी प्री एक्लाम्प्सिया की जो स्टेजेस है वो पूरी ठीक हो जाती है और आराम से एकदम हेल्दी बेबी भी हो जाता है। इसके लिए गुरुजी ने एक बहुत आसान तरीका, क्योंकि अगर गर्भिणी है तो उसको हम लोग विरेचन नहीं करवा देते, अनुलोमन नहीं कर सकते, तो इसीलिए गुरु जी ने यहाँ पे गोक्षुरादि गुगुल, शुभदंष्ट्रादि गुगुल का प्रयोग और चिंचालवन तेल इसका प्रयोग किया है, और ये दो द्रव्यों से उसका जो रुग्णा का प्रियक्लाम्प्सिया है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। चिंचालवन तेल यानी कि अनुलोमन तेल, चिंचा यानी कि टर्मर टैमरिन और सैंधव और जो इसका जो मूंगफली का जो तेल होता है इससे बनता है, और ये तेल अगर अपान काल में हम लोग दे दे और उसके साथ गोक्षुरादि गोकुल सुबह शाम दे दे तो ये प्री एक्लाम्प्सिया की जो स्टेज है वो हम लोग आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ भी अवरोधी है, जैसे मैंने कहा था कि मलावरोध से अपान प्रतिलोमित होकर श्वास कष्टता, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर जैसे कि अपस्मार, प्रतिशय बन जाता है, तो यहाँ गर्भिणी स्त्री में गर्भ की वजह से अपान वायु का जो अवरोध हो जाता है, अपान वायु का अवरोध गर्भ ने किया होता है, इसीलिए प्री एक्लाम्प्सिया की स्टेज आ जाती है। तो यहाँ अगर कोष्ठ से अपान का अनुलोमन हो जावे तो वहाँ ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को वात चिकित्सा करते हुए हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सारे जो नानात्मज वात विकार है, सारे जो नानात्मज वात विकार है 80, तो आपको पता होगा कि जितने भी वात विकार है उन सारे वात विकारों का समावेश हमारे आचार्यों ने ज्यादा से ज्यादा मज्जावह स्रोतस में किया है। मज्जावह स्रोतस के अंडर बहुत सारे वात व्याधियों का वर्णन आपको मिलेगा, आपकी बुक निकालिएगा और देख लीजिएगा कि जो जो वात व्याधियां हैं वो बहुत सारे एक बड़ा बल्क जो है व्याधियों का, वात व्याधियों का, वो मज्जावह स्रोतस के व्याधियों के अंडर आया हुआ। तो वात विकार मतलब मज्जा धातु ऐसे क्यों है? पंचभौतिक चिकित्सा में चिकित्सा के लिए यही विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। वात विकार मतलब मज्जा धातु का कहीं ना कहीं उसका रोल, उसका जो है वो देखना पड़ेगा। आखिर ये क्या है? तो अगर आप लोगों को स्त्रोत चरक विमान स्थान पांचवा अध्याय, स्त्रोतो विमानी अध्याय याद होगा, तो हम लोग तीन स्रोतसों पे ध्यान दे रहे हैं, मेदो वह स्त्रोतस, अस्थि वह स्त्रोतस और मज्जा वह स्त्रोतस। ठीक है, मेद, अस्थि और मज्जा। मेदो स्त्रोतस का जो मूल स्थान बताया है आचार्यों ने, चरक जी ने, तो मेदो वह स्त्रोतस का स्थान है वृक्को मूलम वपा भावना,
ठीक है, रुपकौ मूलम वपावहनम च। अभी अस्थि वस्त्र उसका मूल स्थान देखिएगा, उसका जो बताया है अस्थि वस्त्र उसका मेदो मूलम जघनम च, मतलब जो मेदो वस्त्र उसका मूल स्थान है वही अस्थि वस्त्र उसका मतलब रुक है, और मज्जा वस्त्र उसका मूल स्थान क्या बताया है अस्थिनी मूलम संधयश्च, मतलब मज्जा वस्त्र उसका मूल स्थान जो अस्थि वस्त्र उसका मूल स्थान है वही है, और अस्थि वस्त्र उसका मूल स्थान जो मेदो वस्त्र उसका मूल स्थान है वही है, और मेदो वस्त्र उसका मूल स्थान क्या है रुक मूलम वपावहनम च, मतलब अपने शरीर के जो वृक्क है जो किडनीज है वो ही मेद अस्थि और मज्जा इन तीनों स्रोतसों के मूल स्थान है, और आचार्य ने क्या बताया है मूल स्थानम इति प्रभाव स्थानम, चक्रपाणि जी ने बताया है मूल स्थानम इति प्रभाव स्थानम, तो मेद अस्थि और मज्जा इन स्रोतसों पर अगर आपको प्रभाव डालना है चिकित्सा का प्रभाव डालना है तो आपको किस ऑर्गन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, वृक्क पे कंसंट्रेट करना है, अगर वृक्क पे कंसंट्रेट करोगे तो आप लोग आसानी से मेद अस्थि और मज्जा धातु की चिकित्सा कर सकते। आप देखेंगे तो इन तीनों धातु में वात विकार पूर्णत्व से इन धातुओं को समाविष्ट करता है, कोई भी वात का विकार इन तीनों धातुओं को पूर्णत्व से व्याप्त करता है। लेकिन मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा, जब भी एक वात व्याधि पूर्णत्व को प्राप्त होता है तो ये तीनों धातुओं को वो व्याप्त करता है, लेकिन कोई भी व्याधि आपको पता है उसको पूर्व पूर्व रूप से जाना पड़ता है, कोई भी व्याधि उसके रूप पहले नहीं दिखाई देता, पहले उसका जो आने की इंटीमेशन होते हैं उसको हम लोग पूर्व रूप बोलते हैं, तो वात विकार के भी पूर्व रूप होते हैं, लेकिन वात व्याधि के पूर्व रूप जो होते हैं उसके लिए इन तीन धातुओं के पहले का धातु हम लोगों को मदद करता है और वो है मांस धातु, मतलब मांस धातु किसी भी वात व्याधि की जो पूर्व रूप या उसकी जो वात व्याधि की प्रारंभिक अवस्था होती है उसको इंडिकेट करता है या सूचित करता है, अगर मांस धातु की दुष्टि हो रही है कहीं ना कहीं तो वहां उसी ख वैगुण्य को पकड़कर कहीं ना कहीं आगे जाके वात व्याधि निर्माण होने वाला है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो एक गुरुद्रसिका रुग्ण है, ठीक है, गुरुद्रसिका रुग्ण है, तो गुरुद्रसिका रुग्ण बोलता है हम लोगों को कि पहले सर 4 महीने पहले ऐसे हुआ कि मेरी कटी स्तंभ दिखाई देने लगा, कहीं ना कहीं कमर में दर्द था थोड़ा थोड़ा, उसके बाद कटी स्तंभ मतलब मॉर्निंग स्टिफनेस दिखने लगा, फिर मैंने तेल लगाया ये लगाया ये बाम लगाया या फिर हॉट पैड से मैंने सेका तो उसके बाद अच्छा लगा मुझे 2 महीने 3 महीने, फिर आगे जाके कटी स्तंभ बढ़ते गया कटी शूल भी बहुत बढ़ गया और फिर अचानक से मेरे एक पैर से इस तरह से शूल शुरू हुआ जो कि गुरुद्रसी जैसा शूल लेफ्ट या राइट साइटिक पेन जो भी हो गए वो एक्सप्लेन करता है, तो अगर जहां साइटिक पेन डेवलप हो गए तो ये गुरुद्रसी मतलब वात व्याधि पूर्णत्व को प्राप्त हो गई, लेकिन इससे पहले उसको जो पूर्व लक्षण थे उसमें सबसे अहम लक्षण था स्तंभ कटी स्तंभ, कटी स्तंभ या सब जो विश्वाची है मन्याशूल है तो मन्यास्तंभ भी दिखाई देगा, तो स्तंभ कहाँ दिखाई दे रहा है तो मांस धातु के आश्रय से स्तंभ होता है, स्तंभ मेद अस्थि मज्जा ये धातुओं का नहीं होता, इन धातुओं को पकड़ता नहीं है, तो उसका आश्रय स्थान जो होता है स्तंभ का वो मांस धातु का होता है, तो स्तंभ क्यों होता है मांस धातु में, तो मांस धातु का जो पंचभौतिक संगठन है उसमें पृथ्वी और आप ये दो महाभूत होते हैं, आगे जाके मांस से आगे वाला जो धातु है मेद धातु वो भी पृथ्वी और आप से ही बना होता है, लेकिन मांस धातु में आप महाभूत के गुण थोड़े कम होते हैं इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन मेद धातु में पृथ्वी महाभूत से आप महाभूत के गुण ज्यादा होती है इसीलिए वो थोड़ा पतला होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है इसलिए पतला होता है, जैसे हम लोग रोटी चपाती बनाते हैं तो उसमें पानी और उसके गेहूं का पीट आटा डाल देते हैं,
अगर हम लोग थोड़ा पानी ज्यादा डालते हैं तो वो जो आटा है वो जब भी गूंदते हैं तो थोड़ा पतला हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसमें इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो आप सोच लो कि मांस धातु में आप महावृत थोड़ा कम है, ऐसे में अगर वहां वात के गुण बढ़ जाए उस तो क्या हो जाता है, तो वहां से स्निग्ध गुणों की कमी हो जाती है। जैसे जैसे स्निग्ध गुण कम हो जाते हैं तो इसका मतलब रुक्ष गुण बढ़ता है, जैसे ही रुक्ष गुण बढ़ता है शोषण रुक्षा तो वहां स्तंभ दिखाई देता है। मीन्स जब भी वात व्याधि की शुरुआत होती है तो मांस धातु में स्तंभ जैसे प्राथमिक लक्षण दिखने होते हैं, इसी समय हमको पता चलता है कि मांस धातु में रुक्ष गुण की विकृत वृद्धि हो रही है। और ये क्यों मालूम होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वात व्याधि जो होते हैं वो जितने जल्दी हम लोग डायग्नोस करें, रुग्ण जितने जल्दी हम लोग हमारे पास आए उतने जल्दी हम लोग उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो माउस में अगर रुक्षता या स्तंभ दिखाई देता है तो आगे जाकर हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेद अस्थि और मज्जा ये तीन धातुओं को व्याप्त करके कहीं ना कहीं वात व्याधि होता है। तो आगे जाके मैंने कहा वैसे कि शोषण रुक्षा और उसके बाद आ जाता है तो वात के बाकी के गुण भी आहिस्ता आहिस्ता एंट्री लेते हैं। तो वात के गुण कौन से हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अभिलाहा अष्टांग हृदय, मतलब रुक्ष गुण की एंट्री हो गई तो समझ लेना चाहिए कि वात दोष जो है तो वहां पे आ गया है, कहीं ना कहीं वात दोष की विकृत वृद्धि हो रही है। तो अगर रुक्ष गुण आ गया है तो कहीं ना कहीं लघु आ जाएगा, फिर उसके बाद शीत आ गया, अगर शीत गुण आता है तो आपको पता है स्तंभने हिमा, तो कहीं ना कहीं स्तंभ निर्माण तो जरूर करेगा ये। तो इस तरह से हम लोगों को रुक्षता से पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं अपतर्पणजन्य वात व्याधि की संप्राप्ति वहां पे गठित हो रही है। तो अगर मांस धातु से स्निग्ध गुण निकल जाए तो मांस धातु क्या करता है, मांस धातु के आगे जो होता है तो मेद धातु का स्नेह लेने पड़ता है। अगर मेद धातु से ही स्नेह न्यून हो जाता है तो आगे जाके अस्थि के अंदर जो मज्जा होती है तो वहां तक उसका प्रवेश हो जाता है। और हमको पता है कि मज्जा ये चतुर्विध महास्नेहों में से एक है, चतुर्विध महास्नेहों में से एक स्नेह है मज्जा। जभी जभी मज्जा पर वायु महाभूत का आक्रमण होता है और मज्जा के यहाँ वात की वृद्धि होती है, क्षय होता है मज्जे का, तो वहां जल्दी ठीक न होने वाले यानी कि व्याप्य और प्रत्याख्येय जैसे वात व्याधि निर्माण होते, क्योंकि मज्जा के आश्रय से जब भी वात व्याधि निर्माण होते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते। इसीलिए जब भी जो भी नानात्मज वात विकार होते हैं वो सारे मांस मेद अस्थि और मज्जा ये चार धातुओं को पकड़ के ही होते हैं, इनकी कहीं ना कहीं डीप इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को वात विकार पता चल गए, कैसे होते हैं क्यों होते हैं। तो आगे जाके पता करना है कि चिकित्सा क्या करनी है वात विकार की चिकित्सा। तो चिकित्सा के लिए हम लोगों को बहुत ही आसान है, पंचभौतिक चिकित्सा के हेतु से जब भी हम उपचार करते हैं तो मेद अस्थि मज्जा इनके मूल स्थान की मतलब वृक्क की चिकित्सा करनी होती है। अगर हम लोग त्रिदोष के हिसाब से जाएंगे तो मज्जा तक काम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्वर्ण कल्पों की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं स्वर्ण कल्पों की जरूरत पड़ेगी, जैसे वसंत कुसुमाकर है या फिर गर्द वा चिंतामणि जैसे कल्प है। लेकिन भाई जब भी मेरे पास रुद्रसी से लेके पक्षाघात तक के व्याधि आ जाते हैं वात व्याधि, तो मेरी जो शुरुआत होती है तो वो श्वदंष्ट्रादि गुबुल से होती है। ये मोक्षादि गुबुल से दाता शास्त्री जी ने बनाया हुआ श्वदंष्ट्रादि गुबुल थोड़ा अलग है, आप कभी भी जाके वो पाठ भेद निकाल के पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ मैं जो यूज करता हूँ वो मोक्षादि गुबुल यानी कि परिवर्तित श्वदंष्ट्रादि गुबुल होता है, क्योंकि जो वायु के मैंने गुण बताए थे रुक्ष लघु शीत कर सूक्ष्म चलन निलाह, तो ये अपतर्पण से बने हुए हैं, तो अपतर्पण की शुरुआत रुक्ष गुण से होती है। तो रुक्ष गुण हम लोगों को ढूंढना पड़ता है रुग्ण के हिसाब से, कहीं ना कहीं मलवटक है, त्वचा पे रुक्षता है, गल शुष्कता है, इस तरह के जो लक्षण है कॉमन लक्षण होते हैं, तो इन लक्षणों से हमें रुक्ष गुण का पता चलता है। इसी तरह स्थौल्य मधुमेह कुष्ठ इन व्याधियों के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं संतर्पण
जो होते हैं कि पृथ्वी आप बढ़ गया है ये देखना पड़ता है। तो इस तरह से गोपसुरा डी गोपुर ये वात व्याधि के, अपतर्पण जन्य वात व्याधि के लिए सबसे अहम द्रव्य होता है, क्योंकि श्वेतवर्षा डी गोपुर अम्लधर्मी है, उसमें आप महाभूतों की गुणों की भरमार है, स्निग्ध गुण भरपूर है, तो स्निग्ध ये वात के विरुद्ध का प्रथम गुण है। तो उसको जब भी हम लोग श्वेतवर्षादि गोकुल देते हैं तो वहीं से वात का शमन होना या वात को विरोध, वात वायु दोष को विरोध शुरू हो जाता है। मतलब हम लोगों को चिकित्सा की शुरुआत जो होती है तो श्वेतवर्षादि गोकुल या वृक्क की चिकित्सा से होती है। किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक ये चाहेगा कि शुद्ध चिकित्सा हो, उसका मतलब है कि शुद्ध चिकित्सा अगर करनी है तो सबसे पहला जो हेतु है उसका वर्ध निदान परिवर्जन जो है वो पहला चिकित्सा की, पहली चिकित्सा की स्टेप होती है। तो हेतु में हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा आहार, विहार और वेग धारण। आहार वातवर्धक आहार, वातवर्धक विहार या फिर वेग विधारण, क्योंकि 13 जो अधारणीय वेग होते हैं, द वेगान धारय जो हम लोगों का श्लोक पता है हम लोगों को, तो ये जो श्लोक है ये श्लोक कहीं ना कहीं हमारे मेद धातु, अस्थि और मज्जा धातु के स्रोतों की दुष्टि करते हैं। जाते जाते मैं 3 श्लोक फटक से बोल देता हूँ। मेद दुष्टि के हेतु में अव्यायामा दिवास्वापा मेद्यानां च अतिभक्षणा मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवना। देखिए आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अव्यायाम, व्यायाम कोई नहीं करता, दिन में सो जाता है, आराम से पिज्जा खाता है, पनीर खाता है, चीज वाली चीजें खाता है, फिर वारुण्य मतलब अल्कोहल का सेवन भी जाते जाते कर जाता है। तो मेदो दृष्टि तो होनी ही होनी है। आगे जाके अस्थि धातु का है, अस्थि धातु की हेतु जो है व्यायामात अति संक्षोभात अस्थ्यानाम अति विघटनात अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातनाम च सेवना। ठीक है, तो यहाँ अव्यायाम था मेदों में, यहाँ अति व्यायाम जैसे लक्षण बताए गए। और मज्जा दृष्टि में उत्पेशाद अति अभिसंदनात् अभिघातात् प्रपीडनात् मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धानां च सेवनात्। आप देखिए कि इसमें कुछ कंटेंट जो है कॉमन है, क्योंकि दिवास्वाप मेदो दृष्टि में भी आया है। तो ये जो है विरुद्ध जो है वहां भी आया है, व्यायाम की चीजें हैं, मतलब जो कॉमन चीजें हैं उससे पता चलता है कि ये 3 स्रोतों की दृष्टि होनी है। और मांसोह स्त्रोतसों में भी अभिसंधि और स्वक्ताच दिवा ये भी आए हैं। तो ये सारे जो हेतु है ये हेतु कहाँ जा रहे हैं ये देखना पड़ता है, क्योंकि वायु और धातु क्षया को मार्गस्य आवरण। तो सारे जो हेतु है वो वायु के धातु क्षय जन्य हेतु है या फिर मार्ग का आवरण करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अव्यायामा दिवास्वापात अति मेदजन्य आहार का सेवन, वारुणी अल्कोहल का सेवन, अगर ये हेतु से कोई वात व्याधि बनता है मेदो दृष्टि से तो कहीं ना कहीं ये मार्ग आवरण जन्य वात प्रकोप होता है। तो इस तरह से हम लोगों को हेतु जो है वो निश्चित करने पड़ते हैं। और चिकित्सा तो मैंने कहा वैसे कि संप्राप्ति इन दोनों चीजों में से कौन सी है उसकी विरुद्ध द्रव्यों की चिकित्सा हम लोगों को करनी पड़ती है। समझो संप्राप्ति जो है वो निकल भी पड़ी तो संप्राप्ति में लक्षण जो होते हैं वो बहुत सारे आसान लक्षण है। स्त्रंस व्यास गदर स्वाप सात रूप तो भेद संग अंग भंग संकोच, ये जो श्लोक है वाग्भट सूत्र स्थान 11वां अध्याय है। तो ये सारे नानात्मक जो 80 विकार है उनको याद रखने की जरूरत है नहीं। अगर ये 4 लाइन वाला श्लोक है अगर वो याद रखेंगे तो उसमें सारे व्याधि आ जाएंगे, क्योंकि इन 4 लाइनों में 80 वात विकार जो है उन्होंने कवर किए हैं। क्योंकि अगर स्त्रंस है किसी ने जगह छोड़ दी है तो कौन कौन जगह छोड़ जाता है देख लीजिएगा, वो 80 विकार में आएगा। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि प्रोलैप्स यूटरस है, प्रोलैप्स क्यों, अगर गुदभ्रंश है, गुदभ्रंश होता है तो प्रोलैप्स है, कहीं ना कहीं वर्टेब्रा के बारे में है, बैकेट के बारे में, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है वो पीछे चली गई है तो यही भी स्त्रंस ही है। कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि हर्निएशन है, इंग्वाइनल हर्निया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया है, तो ये भी एक प्रकार का स्त्रंस है। मतलब ये सारी चीजें एक ही शब्द में लिखी है स्त्रंस में। व्यास है, आपको पता है कि
व्यास मतलब कहीं ना कहीं आकार बढ़ जाना, आकार बढ़ जाए तो वहां आकाश का अवकाश बढ़ जाता है, आकाश का अवकाश बढ़ गया तो समझना है कि वायु का संचरण बढ़ गया। अपतर्पण जन्य व्याधि है, जैसे कि LVH है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, तो ये हृदय व्यास है। तो इस तरह से आप अगर ये जो श्लोक है स्रवंस व्यास वेदस्वात्सारूप, तो इन सारे चार लाइनों में आपको 80 प्रकार के वात विकार दिखाई देंगे। इसके आगे जाके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंचभौतिक चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं स्टेप वाइज। चिकित्सा में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है उसका उदर परीक्षण। उदर परीक्षण में यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड और गर्भाशय, अपान कक्षा, इनका परीक्षण करना पड़ता है। यकृत प्लीहा की नाप देखने पड़ते हैं। फिर सबसे पहले शुरुआत जो होगी वो अपानम च अनुलोमय, हम लोगों को श्लोक पता है कि उदानम योजय ऊर्ध्वम अपानम च अनुलोमय समानम शमयश्चैव त्रिधा व्यानम तु योजय प्राणो रक्षे चतुर्भ्योऽपि। ये चरक चिकित्सा का जो श्लोक है वो यकृत प्लीहा मूत्रपिंड मतलब अग्नि संस्था की चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मल शुद्धि ठीक नहीं है तो यकृत की चिकित्सा से शुरुआत करनी पड़ती है और मूत्रपिंड की चिकित्सा बहुत जरूरी होती है। मतलब यकृत प्लीहा मूत्रपिंड पे अगर हम लोग औषधि द्रव्य दे रहे तो अग्नि संस्था अच्छी हो जाती है, प्राकृत हो जाती है, अग्नि अपना काम ठीक से करने लगता है। अग्नि प्राकृत होते ही वायु का संचरण भी ठीक से होने लगता है, क्योंकि अग्नि और वायु का एक तरह की फ्रेंडशिप है, आश्रय आश्रय संबंध है। तो वायु और अग्नि ये जो फ्रेंड्स है, अगर अग्नि अच्छा हो गया तो वायु का संचरण भी प्राकृत हो जाता है, अगर वायु प्राकृत हो गया तो आकाश का अवकाश भी प्राकृत होना ही होना है। इसीलिए यकृत प्लीहा मूत्रपिंड ये जो तीन इंद्रियों की चिकित्सा है ये पांचों प्रकार के मतलब प्राण समान उदान ध्यान अपान, ये पांचों वायु के कर्म में सुधार लाते हैं। क्योंकि ये पांच वायु की चिकित्सा, ये अग्नि, यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, ये तीन इंद्रियों की चिकित्सा करती है। अगर वायु में वायु के कर्म में सुधारना या फिर उसकी जो इम्प्रोवाइजेशन है वो हो जाता है तो पांच वायु ठीक से काम करने लगेंगे तो पांच पित्त और पांच कफ भी ठीक से काम करने लगेंगे। इसीलिए हम लोगों को पता चलता है कि दोष दुष्य संमूर्छना जनितो व्याधि, अगर दोष ठीक हो गए तो उसमें से बचे कौन है तो दुष्य। दुष्य मतलब सप्त धातुओं में से कौन सा दुष्य वहां इन्वॉल्वमेंट है, माउस, लेट, अस्थि या मज्जा, तो उन धातुओं की रसायन चिकित्सा हमें करनी, क्योंकि अग्नि तो हम लोगों ने ठीक कर ही दिया है। तो सिर्फ दुष्य की चिकित्सा मतलब धातु की रसायनों की चिकित्सा हम लोगों को करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम लोग आराम से किसी भी वात व्याधि पे काम कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक दो तीन आसान चीजें जो कि केसेस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 10:15 बजे का टाइम दिया था, अब 10:20 मिनट हो गए। तो जैसे मैंने LVH का बारे में बताया था तो एक केस थी मेरे पास अभी भी चालू है, उस लेडी ले पेशेंट फीमेल पेशेंट 33 इयर्स ओल्ड, अम्लधर्मी प्रकृति है, उसको आयासेन श्वास कष्टता थी मतलब कार्डियक डिस्निया था, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन LVEF 55% था, और इस रुग्ण को 33 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट को हार्ट लंग ट्रांसप्लांट एडवाइस किया हुआ था। पेशेंट इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था इसलिए वो मेरे पास चले गए थे। तो जब भी मैंने चेक किया तो रिपोर्टों में रिपोर्ट जो थे उसमें राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल डायलेटेड, राइट लंग टोटल कोलैप्स विथ प्लूरल इफ्यूजन, इस तरह से आप देखेंगे तो भयानक से सारे ये चित्र था। लेकिन ओपीडी लेवल पे इसको जो मैंने चिकित्सा दी बहुत ही यकृत प्लीहा मूत्रपिंड के हिसाब से, यहाँ कहीं भी बड़ा कल्प मैंने नहीं दिया था। यहाँ फलत्रिकादि गुहुर वरांग क्षार हरणु लघु सूत शेखर, ये चार कल्प मैंने दिए थे। ये चार कल्प से 7 महीने में पूरा प्लूरल इफ्यूजन उसका निकल गया। आफ्टर 18 मंथ्स 1.5 साल के बाद उसका जब भी 2D एको हमने किया तो LVEF 55% था वो 60% हो गया, और उसमें नॉर्मल LV फंक्शन दिखाई दिया। मतलब आप देख लीजिएगा कि आयुर्वेद के साथ एक सिद्धांत अगर हम लोग ठीक से यूज करेंगे तो ये जो हृदय व्यास है, हृदय का काम जो बिगड़ा हुआ है, जो नानात्मज विकार के हिसाब से आया था, उसको हमने अवरोधजन्य वात प्रकोप के हिसाब से
उसको ट्रीट किया तो LVEF भी बढ़ गया, प्लूरल इफ्यूजन निकल गया और जो उसका जो डिस्निया था वो पूरा निकल गया। वैसे ही आजकल हमारे पास बहुत सारे यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट आ जाते हैं, स्पेशली जो लेडीज होती है हिस्टेरेक्टॉमी के बाद उनको यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस या ओल्ड एज इनकॉन्टिनेंस भी दिखाई देता है। तो इस इनकॉन्टिनेंस में आपको एक ही विचार करना है कि यहाँ अपान वायु का मूत्र मूत्र धारण का काम बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अपान वायु का कर्म मल मूत्र गर्भ निष्क्रमण ही नहीं धारण और निष्क्रमण है। जितना भी उचित समय है उस उचित समय तक धारण करना इन भावों को और फिर सुस्थान पर उसका निष्क्रमण करना। तो अगर जैसे कि बातें करते करते बीच में ही समझो यूरिन लीक हो जाती है तो ये अकाल मूत्र निर्गमन है। तो इसका मतलब है कि अपान वायु में से उसकी धारणा शक्ति कम हो गई। अपान वायु में वायु प्लस पृथ्वी महाभूत के गुण होते हैं तो वहां की पृथ्वी कम हो गई। इसीलिए इस लेडी पेशेंट में मैंने सिर्फ हरड़ू और उसके साथ मैंने कांति प्रभा, चंद्र प्रभा और पद्म किट, इनका पद्म चूर्ण, पद्मकाष्ठ का चूर्ण, इसका मिश्रण दिया था और हार्डली 3 मंथ्स में इसका जो यूरेथ्रल इनकॉन्टिनेंस था वो ठीक हो गया। फिर बाकी भी वाते व्याधियां हैं जैसे कि बहुत सारे गृद्धरसी के पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, तो इन सारी व्याधियों में भी हम लोग बोक्षुरादि गुगुल जैसे कल्प, पद्म किट और त्रिफला गुगुल, वरा गुगुल जैसे कल्पों से ही आराम से ठीक हो जाते हैं। क्योंकि हजारों रुग्णों को मैंने ये सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस को इन्हीं ट्रीटमेंट से, मतलब आसान कल्पों से मैंने ठीक किया है। अभी हाल ही में मेरे पास एक रुग्ण आई थी, एज 18 ईयर्स, क्वाड्रिप्लेजिया, उसके 12th की एग्जाम होने के बाद उसको अचानक सा पैरालिसिस का अटैक आ गया, क्वाड्रिप्लेजिया, मुखत्व क्षारधर्मी प्रकृति की रुग्णा थी, उसको एसीली आईटीपी भी था। तो जब भी मैंने देखा वो आईसीयू में थी, 9 महीने से वो रुग्णा आईसीयू में थी, उसको डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका लालाश सिक्रीशन इतना था कि सलाइवेशन हर 5वें मिनट में सक्शन पंप से सलाइवेशन सक करना पड़ रहा था, तो इसीलिए उसको डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा था। तो टोटली बेड रिडन क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट थी। तो जब भी मैंने देखा पक्षाघात की रुग्णा है तो मलावृत तीव्र था, 4-5 दिन से भी उसको टॉयलेट नहीं हो पा रहा था, पुरुष बिल्कुल निकल नहीं रहा था। तो आपको पता है कि इस रुग्णा में मैंने आसान विचार किया था कि मलावृत मलावृत से अपान प्रतिलोमित हुआ, अपान से आगे जाके समान, समान से व्यान, व्यान से उदान और उदान से प्राणवायु प्रकुपित होकर वहां पक्षाघात हो गया था। तो इसीलिए सबसे पहले ट्रीटमेंट अगर हमको करनी है तो वो मलावरोध की करनी है। इसीलिए आपको पता है कि पुरुष धरा कला इति अस्थि धरा कला, तो मैंने यही मतलब अस्थि धरा कला का अवरोध मतलब मैंने दिमाग में रखा। अस्थि, आपको पता है कि अस्थि के आश्रय से ही मज्जा धातु होती है, तो आश्रय मज्जा अस्थि के अंदर होती है। अगर अस्थि धरा कला में अवरोध होता है तो कहीं ना कहीं वहां विकृत अस्थि के गुण बढ़ गए हैं, पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है, इसका मतलब मज्जा दुष्टि हो गई है, मज्जा धातु का क्षय हो गया है। यहाँ विकृत पृथ्वी बढ़ने से मज्जा धातु का क्षय या मज्जा धातु की दुष्टि हो गई है। तो इसीलिए मैंने चिकित्सा की शुरुआत पुरुष धरा कला या मलावरोध से की। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा, आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट रुग्णा खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। जो क्वाड्रिप्लेजिक थी जिसको डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था, पहले 15 दिनों के मेडिसिन से उसका सलाइवेशन प्राकृत हो गया और सलाइवेशन प्राकृत होने के बाद आफ्टर 15 डेज उसको पूना से डिस्चार्ज मिला, उसके घर आ गई और आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है अभी। तो इस तरह से आपको चिकित्सा करनी है तो उसमें आयुर्वेद का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके द्रव्य इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैं जब भी किसी व्याख्यान या लेक्चर को जाता हूँ तो वैद्य या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझे द्रव्य पूछते हैं, कल्प पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कल्प या द्रव्य मत सुनो, उसके पीछे का विचार सुनो और विचार सुनने के बाद आप जो भी आपको द्रव्य अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। जैसे अभी एक और केस है, लास्ट केस में बताने जा रहा हूँ आपको कि 51 ईयर्स
मेल पेशेंट है, उसको वो टीचर था, तो उसको एक डायग्नोसिस किया था राइटर्स क्रैम्प, उसके दक्षिण हस्त में कंप था, ठीक से लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो एज अ टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता था, सिग्नेचर करने पड़ते थे, तो वो काम नहीं कर पा रहा था, तो उसका डायग्नोसिस था राइटर्स क्रैम्प। तो मैंने देखा कि इसको दक्षिण हस्त कंप, ये मेरा निदान था, बाकी कुछ भी लक्षण नहीं थे। उदर परीक्षण अच्छा था, मल मूत्र निद्रा जिह्वा अग्नि सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन मुझे एक चीज जो है जिस पर मैंने मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट की, वो थी उसकी प्रकृति क्षारधर्मी थी। क्षारधर्मी मतलब उसमें तेज महाभूत का प्रभाव बहुत ज्यादा था। आपको पता है कि अगर हम लोग चूल्हे पे एक पात्र रखते हैं, अगर वो पात्र गर्म हो गया और उस पर अगर हम पानी के बूंदे डालेंगे तो वो पानी की बूंदे उछलने लगती है, उसमें कंप आ जाता है। तो ये कंप किस वजह से है, तो वहां की पृथ्वी कम हो जाती है, तेज महाभूत बढ़ते ही पृथ्वी कम होने लगती है, और इसीलिए वो राइटर्स क्रैम्प या फिर दक्षिण हस्त कंप उस रुग्ण में दिखाई दिया। तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो तेज महाभूतों की विकृत गुणों की वृद्धि हुई है, तेज महाभूत का शमन करना और पृथ्वी महाभूत बढ़ाना। मैंने उसको सुबह शाम गिरीज दिया स्वर्ण गैरी, सुबह 6 बजे शाम 6 बजे पानी के साथ, 10 बजे रजनी योग, 2 बजे शिव गोक्षुरादि गुगुल दिया, क्योंकि आपको पता है कि मेद अस्थि और मज्जा का मूल स्थान वृक्क है, इसलिए शिव गोक्षुरादि गुगुल दिया, वात के गुण बढ़ गए हैं तो वहां पे स्निग्ध गुण बढ़ना ही चाहिए, और व्यान और उदान काल में पद्मकृत योग दिया। हार्डली 3 महीने में 50% उपशम और 8 महीने के बाद 100% उपशम, रुग्ण अपनी सिग्नेचर भी ठीक से करने लगा। तो यहाँ मैंने एक ही किया कि जो चूल्हे पे गैस आप हम लोगों ने कंटेनर रखा था उसका जो नीचे वाला नॉब था वो मैंने बंद कर दिया, हीट कम कर दी, उष्णता प्रकृतिस्थ कर दी, तो ऊपर जो पानी के बूंदे डालेंगे वो उछलना बंद हो, मतलब तेज महाभूत का बैलेंस हम लोगों ने ठीक किया पृथ्वी महाभूतों के गुणों की वृद्धि से। तो ये जो बैलेंस है पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, अगर तेज बढ़ता है या वायु बढ़ता है या तेज वायु आकाश बढ़ता है, तो आपको उसकी विरुद्ध गुणों की चिकित्सा मतलब पृथ्वी और आप महाभूत शरीर में बढ़ाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप लोग आराम से पंचभौतिक चिकित्सा का अध्ययन कर सकते हो। गुरु जी की वैदराज दाता शास्त्री जी की 6 किताबें हैं इस पर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर पढ़ सकते हो, और उसके बाद अगर कोई भी शंका हो तो मुझे पूछ सकते हो। मेरा जो व्याख्यान है वात व्याधि में पंचभौतिक चिकित्सा का विचार, यह सुनने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और यह जो मेरा व्याख्यान है मैं अपने गुरु के चरणों में सविनय रख के उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद अमोल जी। धन्यवाद वैद्य शैलेश माळी सर, आपने आज पांचभौतिक चिकित्सा के 6 सिद्धांतों के साथ पांचभौतिक चिकित्सा का मूलभूत ज्ञान देते हुए वात व्याधि चिकित्सा और वात व्याधि के निदान का और चिकित्सा का जितनी सुलभता से बताई उसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ। अब इसके आगे का सेशन है श्रोता वैद्यगणों के शंका समाधान का अर्थात प्रश्नोत्तर का। ये सत्र अभी वैद्य महेंद्र बोर्डे जी और वैद्य आनंद सोनावने जी संभालेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो अभी आगे का सूत्र संभाले। गुरु धन्यवाद मॅडम. माळी सरांसाठी काही प्रश्न आलेले आहेत, त्यापैकी मी काही प्रश्न प्रामुख्याने विचारू इच्छितो. प्रथम प्रश्न आला होता, हिंदी सर, हिंदी. पहिला प्रश्न आया था, अभिघात जन्य शूल में कैसा विचार, पांचभौतिक विचार कैसा किया जाता है.
सबसे पहले अभिघात आघात जन्य अगर शूल है तो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये अस्थि व स्त्रोत के दुष्टि हेतु में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अति संक्षोभा अति विघटना ये दो शब्द जो है वो अस्थि व स्त्रोत के दुष्टि में आ जाते हैं। तो इसके इसका मतलब है कहीं ना कहीं अस्थि धातु पे आघात हुआ है और वहां पे अगर अस्थि धातु पे आघात होता है तो निश्चित स्वरूप से ये मज्जा में ही दुष्टि हो जाती है, लेकिन ये अभ्यंतर व्याधि नहीं है, हेतु नहीं है, ये बाहर से आघात हुआ है, आगंतुक हेतु है। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि एकाद एक्सीडेंट में जैसे हम लोग चिकित्सा करते हैं अस्थिवर्धक द्रव्य देके, उसी तरह से अगर आघातज व्याधि है, अस्थि पर आघात हो जाता है, तो उस रुग्ण का अग्नि कैसे है, अग्निबल कैसा है देखना चाहिए। अग्नि अच्छा होने के बाद फिर आगे जाके अस्थिवर्धक चिकित्सा करनी चाहिए। अगर मेरे पास ऐसा रुग्ण आ जाए तो मैंने कहा वैसे कि इसको मूत्रपिंड की चिकित्सा करनी जरूरी है, जैसे कि श्वदौष्ठादि गुगुल या हरू, और उसके बाद अस्थिवर्धक द्रव्य में श्रृंग किट या पद्म किट जैसे द्रव्य हम लोग डिंक के साथ दे देते हैं। अगर वेदना है तो कहीं ना कहीं वरा गुगुल यानी कि त्रिफला गुगुल भी पाठ परिवर्तित जो होता है उसका प्रयोजन आप व्यान और उदान काल में कर सकते हो, लेकिन सबसे अहम चिकित्सा है अस्थिवर्धक चिकित्सा। धन्यवाद सर। और एक प्रश्न आया है सर, मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन प्रॉपर नहीं होना, जैसे चलने में असर समर्थता एक्सेट्रा, इसे पांचभौतिक तरीके से कैसे सोचे? ओके, सबसे पहले दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, पहला है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। अगर आप लोग इसका थोड़ा विचार सूक्ष्म में जाके करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है जो इंद्रियों से लेके मन तक जाता है, ठीक है, कि स्पर्श ज्ञान से गर्म या ठंडी चीजें हम लोगों को पता चलती है, तो वो ज्ञान हमें कैसे होता है कि हाथ के त्वचा से लेके हमारा जो ज्ञान होता है वो मन मन से बुद्धि बुद्धि से आत्मा को जाता है, और जब भी आत्मा को उसका इस उष्णता से वेदना होती है तो बुद्धि निश्चय करती है कि मेरा हाथ जो है वो किसी गर्म चीज से लगा हुआ है, इससे मुझे दुख हो रहा है और वहां से हाथ निकालना चाहिए, हटाना चाहिए, और ये हाथ हटाने की चीज जो है वो मोटर न्यूरॉन के अंडर आ जाती है। तो इसका आयुर्वेद का विश्लेषण ऐसा है कि सेंसरी न्यूरॉन ज्ञान करना ये जो है वो तेज महाभूत के अंडर होता है, ठीक है, मतलब एकाध चीज गर्म है ये आपको पता चलने के लिए जो सेंसरी नर्व होती है वो तेज महाभूत प्रदान होती है, लेकिन जो चीज गर्म है उससे वेदना हो रही है आपको हाथ हटाना है, मतलब मोटर न्यूरॉन जो आज्ञा लेके आता है मसल तक, तो मोटर न्यूरॉन जो है वो प्रेरणा देने वाला है, इसीलिए वो वायु महाभूत के अंदर आता है। तो मोटर न्यूरॉन्स सारी चीजें जो करता है वो वायु महाभूत के अंदर आती है, इसीलिए पैरालिसिस में भी आपको पता चलता है पक्षवद में कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, स्ट्रेंथ नहीं आ पाती, हाथ पैर हिला नहीं सकता, क्योंकि वहां पे मोटर न्यूरॉन की मतलब वायु महाभूत की दृष्टि प्राधान्य से होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे पक्षाघात की चिकित्सा की है वैसे ही करनी है, जैसे कि मैंने कहा अग्नि संस्था ठीक करनी है, उसके बाद जो रसायन है वो अस्थिवर्धक रसायन देना है, क्योंकि अस्थि के बाद ही मज्जा आ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले पद्म किट या श्रृंग किट, अगर जरूरत है तो फिर आपको जटामासी या सारस्वत अरिष्ट भी आप स्वप्न काल में दे सकते हैं, क्योंकि मज्जा जो होती है वो स्नायु और वायु के अंदर होती है मसल, तो मसल के लिए भी और अस्थि के लिए भी पद्म किट या श्रृंग किट ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके स्क्रीन पे आप देखोगे तो पद्म किट योग का फॉर्मुलेशन आपके सामने आ गया है, तो ये चीज अस्थि और मज्जा इन दोनों के लिए ये पद्म किट योग विविध अनुपान से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि दूध के साथ, जैसे कि गम अकेशिया के साथ, या फिर गर्म पानी के साथ, ठीक है। धन्यवाद सर। सर एक और एक क्वेश्चन था जी, जैसे अपने केस आपने जो केस डिस्कस किया वैसे गुरियन बारी सिंड्रोम भी पक्षाघात में आता है, अगर ऐसे
आगंतुक कारण है तो उसके बारे में पांचवधिक चिकित्सा का कैसे विचार करते हैं? देखिए, कोई भी सिंड्रोम या फिर मैंने जो आज का लेक्चर दिया था वो एलोपैथी के बहुत सारे डिसीजों को, जो डिसीज जो होते हैं उनको इकट्ठा एक ही टोकरी में मैंने डाला है कि आपको यही देखना है कि वो किस हेतु से बने हैं। वात प्रकोप जो हुआ है वो धातु क्षयजन्य है या फिर अवरोधजन्य वात प्रकोप है। अगर अवरोधजन्य प्रकोप है तो विरुद्ध गुणों की चिकित्सा करनी है, क्योंकि आप एलोपैथी के हिसाब से जाओगे तो आपको सिंड्रोम तो मतलब 100 से भी ज्यादा सिंड्रोम निकलेंगे, लेकिन वो हर एक सिंड्रोम आपको आयुर्वेद के ढांचे में बिठाना है, आयुर्वेद के तरीके से उसका निदान करना है, उसके हेतु देखने हैं। अगर गुलेन बरिस बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उस व्याधि के लक्षण क्या है, कहाँ से और किस तरह से पैदा, क्योंकि ऐसा है कि एलोपैथी का इंटरप्रिटेशन बहुत अहमियत रखता है और वो इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, आपके पास तो थायराइड के बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं, हाइपर थायराइड होता है या हाइपोथायराइड होता है। आप देखिएगा, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड का आयुर्वेदिक विश्लेषण हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड जहाँ TSH बढ़ जाता है उसके सारे लक्षण जो है वो कफ वृद्धि के है, या पंचभौतिक के हिसाब से बोलोगे तो सारे लक्षण विकृत पृथ्वी और आप बढ़ने से दिखाई देते हैं। और जो हाइपर थायराइडिज्म है जहां T3 T4 बढ़ जाते हैं तो उसके सारे लक्षण जो है वो अग्नि वायु और आकाश बढ़ जाने के जो लक्षण होते हैं उसमें होते हैं, मतलब अपतर्पण जन्य लक्षण होते हैं। तो इस तरह से हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म के लक्षणों के हिसाब से आप लोग आयुर्वेद में उसको बिठा सकते हैं। उसी तरह हर एक सिंड्रोम, हर एक एलोपैथी का डायग्नोसिस आयुर्वेद के दोष धातु मल इन्हीं सिद्धांतों में आपको रखना पड़ेगा, वरना ऐसे तो सिंड्रोम और डिसीज जो होते हैं उसका आयुर्वेदिक एक ही ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐसे कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। तो आप सोचो, मैंने गाइडलाइंस दी है क्योंकि एक घंटे में वातव्याधि बिठाना पंचभौतिक चिकित्सक के बहुत तकलीफ होता है, मुझे कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, फिर भी आप देख लो और मुझे अगर कोई मतलब दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आणखी एक क्वेश्चन आहे सर, पक्षवाद पंचभौतिक विचार कसा करावा? पक्षाघाताचाच विचार मी सांगितलात ना, त्यामध्ये मुद्दा पक्षाघाताचीच केस सांगितली होती। हा बोला। ह्यामध्ये पण तसाच ऍक्च्युअली क्वेश्चन आहे, तो क्वेश्चन आला त्यामुळे मला विचारावं लागतं सर, पक्षाघात में पांचवा विचार कैसा करें, उसमें इन्फार्क्ट और हिमरेज डिफरेंशिएट कैसे करें? सबसे पहले कि मैंने अभी बोला ऐसे कि इन्फार्क्ट और हिमोरेज आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज आयुर्वेद के हिसाब से बिठानी है। सबसे पहले अगर आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज में नहीं बिठा पाओगे तो आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं देनी, मतलब करना असंभव होगा आपको। और पक्षाघात का जो मैंने कहा था कि आयुर्वेद के आचार्यों ने बता रखा है कि कोई भी पक्षाघात हो, पक्षाघाते विरेचनम बोला है। तो सबसे पहली बात यह है कि विरेचन क्यों बोला है, विरेचन से क्या होता है। पंचभौतिक चिकित्सा में भी वही चीज मैंने दोहराई है कि पक्षाघात में शरीर का आकाश का अवकाश जो है वो व्याप्त हो जाता है, मतलब वो एक अवरोध होता है, अवरोधजन्य व्याधि है। अगर शरीर का आकाश का अवकाश व्याप्त होता है तो उसको खुला करने की सबसे अहम जो जगह है वो है मल प्रवृत्ति। तो मल प्रवृत्ति ठीक से हो जाए हर रोज तो आकाश का अवकाश प्राकृत होता है, आकाश का अवकाश प्राकृत होता है तो वायु का संचरण प्राकृत हो जाएगा, और जैसे वायु का संचरण प्राकृत होगा तो पक्षाघात जो है वो अपने आप ठीक होने लगता है। बाकी रसायन द्रव्य आप सोच विचार करके दे सकते हो, मालिश कर सकते हो, अभ्यंग कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो गाइडलाइन है
वो ये है कि कोई भी पक्षाघात आकाश का अवकाश व्याप्त होने से ही होता है, फिर व्याप्ति कौन कर रहा है देख लो, पृथ्वी या आप महाभूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वातव्याधि पूर्व रूप में जो अवस्था मास धातु में, मास धातु का हम विचार करते हैं, वैसे से अगर उपद्रव में विचार करें तो शुक्र धातु में जो उपद्रव आगे आते हैं उनका विचार कैसे करें? चरकाचार्य जी ने आपको बताया है कि व्याधि के चिकित्सा हेतु दो प्रकार है, सुख साध्य और कष्ट साध्य, और सारे वात व्याधि जो नानात्मज है वो कष्ट साध्य में ही उनका अंतर्भाव होता है, और कष्ट साध्य में भी याप्य और प्रत्यक्ष है, और जो प्रत्यक्ष ही होते हैं, असाध्य प्रत्यक्ष है जो होते हैं, उसमें मज्जा और शुक्र धातु आश्रय जो जो आश्रय होकर जो वात व्याधि निर्माण होते हैं वो होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शुक्र और मज्जा धातु में व्याधि का प्रवेश होता है तो वो व्याधि ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको सिर्फ मेडिसिन देना है और उनको मेडिसिन के बल पर ही उस रुग्ण को जीवित रखना है, इतना ही उसका क्रम प्राप्त है। बाकी इसके आगे उसको पूर्ण व्याधि मुक्ति करना आचरण के हिसाब से भी असंभव है। ओके सर, आगे के क्वेश्चन में महेंद्र बोर्डे सर को कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, महेंद्र बोर्डे सर। हाँ सर, नमस्ते सर। हिस्टेक्टोमी के बाद वेट बढ़ता है यानी पृथ्वी महाभूत की वृद्धि होती है ऐसा सोचेंगे हम, लेकिन पृथ्वी महाभूत प्रधान जो गर्भाशय है वो ही निकाला है तो फिर पृथ्वी महाभूत की वृद्धि कैसी होती, कैसा सोचा जाए? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, शायद नव चिकित्सकों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टेक्टोमी के बाद मैंने कहा था कि पृथ्वी निकल जाती है लेकिन वेट गेन हो जाता है, जैसे कि मेधा धातु बहुत बढ़ जाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी हिस्टेक्टोमी जब भी करते हैं हम लोग, तो जो हर महीने आने वाली रज प्रवृत्ति है वो रुक जाती है, और आपको पता है कि रज जो है वो रस का उपधातु होता है रज, और जैसे ही हम लोग रज का मार्ग अवरोध करते हैं तो शरीर में रस में रज की गुणों की वृद्धि होते रहती है, क्योंकि उसका मार्ग तो हम लोगों ने बंद कर दिया, और जैसे जैसे रस में रस धातु में ये रजक के गुणों की वृद्धि बढ़ जाती है तो उसका जो मल स्वरूप है रसमल कफ, तो वो रसमल कफ बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे रसमल कफ बढ़ते जाता है तो उसके समान गुणों से मेधा धातु भी बढ़ने लगती है, तो अल्टीमेटली मेध धातु और कफ दोष ये दोनों पृथ्वी और आप महाभूतों के गुणों का उन दोनों में पृथ्वी और आप महाभूतों के गुणों का आधिक्य होता है। इसका मतलब है कि विकृत पृथ्वी और आप महाभूत बढ़ने से मेधा धातु बढ़ती है, कि जो विकृत होती है वो प्रकृति के लिए अच्छी नहीं होती, शायद ये चीज शरीर इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं वो जो गर्भाशय के स्थित पृथ्वी होती है वो निकल जाने से इम्बैलेंस होता है, तो प्रकृति का हमेशा से सेल्फ क्यूरिंग एजेंडा भी होता है, उस एजेंडा के हिसाब से शरीर में तेज वायु आकाश महाभूतों की विकृत वृद्धि ना हो, इसीलिए भी ये गुणों पृथ्वी और आप महाभूत गुणों की वृद्धि शरीर करते रहता है, और इसीलिए दुष्परिणाम स्वरूप वेट गेन दिखता है या स्थौल्य दिखता है। थैंक यू सर। सर आगे का क्वेश्चन है, वात रक्त और आमवात ये दोनों भी अवरोध जन्य संप्राप्ति से दिखाई देते हैं, तो इसमें कल्प कैसे चॉइस करें, और वात रक्त में रक्त से अवरोध और आमवात में आम से अवरोध है, दोनों जगह स्वदंष्ट्रादि गुगुल चलेगा या नहीं? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि आमवात में आम है तो इसका मतलब है कि अग्निमान्य है, पृथ्वी और आप के गुणों की विकृत वृद्धि है, ठीक है,
और वातरक्त में भी अमावस्था है ही, लेकिन उसके उससे भी ज्यादा इसमें रक्त का प्रादुर्भाव है, क्योंकि रक्त की इन्वॉल्वमेंट है। इसके मतलब है कि यहाँ रक्त के साथ पित्त की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो दोनों तरफ से देखेंगे तो ये जो चीजें हैं वो अलग अलग हेतु या निदान सेवन से बनती है। ठीक है, तो दोनों व्याधि तो अलग है, यहाँ आम है, अग्निमांद्य है, और फिर पृथ्वी महाभूतों की विकृत वृद्धि से औरजन्य आमवात हुआ है। और यहाँ पे वात रक्त में आपको बाकी हेतु पता है कि जैसे कि पांव खुले छोड़ के अधिकतर ट्रैवलिंग करना वगैरह वगैरह, उष्ण तीक्ष्ण आहार का सेवन, जो रक्त क्षोभ करने वाला आहार है इस तरह का फिर सेवन करना। तो इन दोनों चीजों में मैंने कहा वैसे कि ये दोनों वात व्याधि है, दोनों में भी मूत्रपिंड की चिकित्सा, वृक्क की चिकित्सा अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ आमवात में अग्नि की चिकित्सा करनी जरूरी होती है, इसीलिए यहाँ यकृत की चिकित्सा, अग्निवर्धक द्रव्य और आमपाचक द्रव्य की जरूरत होती है। लेकिन वात रक्त में ये और व्याधि सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि आमवात में रसाश्रित आम है और यहाँ पे वात रक्त में रक्त के आश्रित दोष गए, मतलब एक धातु आगे चल गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रक्त धातु की चिकित्सा, मतलब प्लीहा की चिकित्सा करनी होती है। तो यहाँ पे कॉमन द्रव्य मूत्रपिंड के है ही दोनों व्याधियों में, लेकिन यहाँ रस धातु और आम की चिकित्सा आमवात में करनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सूक्ष्म होकर प्लीहा की और रक्त धातु की चिकित्सा मूत्रपिंड के साथ करनी पड़ेगी। तो आगे जाके आपको कॉमन मूत्रपिंड की चिकित्सा किसी भी वात व्याधि भी करनी तो होगी ही, तो यहाँ पे गोक्षुर आदि गुगुल का अच्छा प्रयोग हो सकता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और वेरिकोज वेंस में क्या विचार करें? सबसे पहले वेरिकोज वेंस, आपको पता है कि उसके जो वॉल्स होते हैं वो ठीक नहीं होते, और इसकी वजह से ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जो ब्लड जाता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे रहने लगता है, और वहां पे धमनियों का जो है वो व्यास होने लगता है, धमनी का आकार बढ़ने लगता है, सीधा ग्रंथि बोलते हैं उसको। तो यहाँ व्यास जो है वो एक परिणाम स्वरूप है। क्या परिणाम होता है? तो उस सीरा में रक्त की अतिरिक्त वृद्धि होती है, फिर अगेंस्ट ग्रेविटी तो ब्लड ऊपर नहीं जा सकता, तो इसीलिए हम लोग जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे स्टॉकिंग से लेके पैर सामने रखना, पैर नीचे मत छोड़ना, ये सारे ग्रेविटी के हिसाब से बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अगर रक्त का वॉल्यूम कम करें हम लोग, तो इसमें आसानी से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, फिर आगे जाके रसायन चिकित्सा व्यास के लिए। तो सबसे पहली शुरुआत जो है, क्योंकि ये रक्त धातु से है तो यकृत की चिकित्सा जरूरी होती है, कहीं ना कहीं मलावरण जैसी चीज है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रक्त का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड का वॉल्यूम होता है, वो मूत्रपिंड के हिसाब से निकालने के बजाय अगर हम मल से निकालेंगे पुरुष से तो वो अच्छा रहता है, वहां से आकाश का अवकाश भी रिक्त होना रहता है। इसीलिए यकृत और मूत्रपिंड की अगर हम लोग चिकित्सा करेंगे तो कहीं ना कहीं सीराज ग्रंथि या वेरिकोज वेंस में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप इसको वटांकुर तेल जो बोलते हैं हम लोग, कोकोनट ऑयल और वट के जो अंकुर होते हैं फाइकस के, उसको उबाल के उसका तेल बना लो और वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे स्थिरत्व आ जाते हैं, कषाय रस होता है तो कहीं ना कहीं उसके जो वॉल्स है उसको भी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये हो गया, और उसके बाद मल शुद्धि और मूत्रपिंड का काम होने के पश्चात पद्म किट डिंक के साथ आप दोगे तो सीरा भी ठीक होने लगती है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये व्यास आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि रुग्ण तो पांव नीचे छोड़ेगा ही, हेतु सेवन तो होगा ही, तो अगर ये बंद नहीं करेंगे तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन फल श्व पद्म किट और वटांकुर तेल, इससे इसको रिजल्ट मिल सकता है। और जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, यहाँ तो अवरोध है थ्रोम्बस का, वो अगर अवरोध निकल जाए तो वहां की जो वेन की वेन का जो आकार बना है, बड़ा है, जो उसका व्यास हुआ है, उसके लिए कॉमन चिकित्सा वही देनी है, पद्म किट, लेकिन यहाँ का थ्रोम्बस निकलना चाहिए, अवरोध निकलना चाहिए तभी। तो बोलते सर, लास्ट क्वेश्चन है, वात व्याधि में तिल तेल, नारियल तेल और एरंडा तेल, इनका कैसे विचार करें पंचोपत्ति के हिसाब से?
किसी भी वात व्याधि में, ठीक है? यस यस, है ना? यस सर, हाँ हाँ, यस यस, हाँ। मैंने कहा ऐसा कि पहले मैंने जो बोला था, एक सिद्धांत कहा था, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का ही वो उपयोग यहाँ पे करना चाहिए हम लोगों को। तो जो नारियल तेल है वो जमीन से 20 फीट कम से कम आकाश के अवकाश में बनता है, तो ये शरीर में जहाँ सूक्ष्म जाना होता है वहां पे यूज कर सकते हैं आकाश के अवकाश में। इसीलिए हम लोग अपने सर के बालों को भी आकाश आकाश के अवकाश का तेल ही लगाते हैं, नारियल तेल। तो ये तो ज्यादा से ज्यादा जहाँ अभी जैसे मैंने कहा कि सीराज ग्रंथि वेरिकोज वेन्स में आप कोकोनट ऑयल में सिद्ध करके लगा सकते हो। तिल तेल जो है वो आपको अभी तेल तिल जो बनते हैं तो जमीन से 2 फुट या 3 फुट ही ऊपर बनते हैं, तो इसमें भी आकाश का अवकाश होता है। लेकिन तिल के तिलों में तेल में तेज महाभूत के अंश ज्यादा होते हैं, तो ये तेज और वायु और आकाश इन गुणों से भरपूर होता है। इसीलिए ये थोड़ा उष्ण सूक्ष्म होता है। नारियल का तेल जो होता है वो शीत सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता है। और एरंड तेल जो है उसके अगर गति देखोगे तो वो गति जो है वो पृथ्वी गुण प्रधान अनुलोमन करने वाली है, इसीलिए इसमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। उसकी विस्कोसिटी भी अधिक है, उसका जो स्थिरत्व है वो भी अधिक है। और सबसे अहम बात है, इंटरनली एरंडेल तेल लोगे तो वो मलानुलोमन करता है, नीचे की तरफ मल को ढकेलने लगता है। तो पहली चीज है आकाश महाभूत से भरपूर जो होता है वो है नारियल का तेल, और पृथ्वी महाभूत के गुणों का जो है वो एरेंडस स्नेह। और तिल तेल में तेज महाभूत और थोड़े आकाश गुण होते हैं। तो अगर इस हिसाब से इन तेलों का वर्गीकरण करोगे तो जहां जिन तेलों के गुणों की अपोजिट गुणों का वर्धन हुआ है वहां वही वही तेल आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, विदाउट पंचकर्मा हाउ बहुदोष मैनेजमेंट पॉसिबल इन पांचभौतिक चिकित्सा, और बहुदोष और उत्क्लेश में क्या विचार करें अगर आप पंचकर्म नहीं करते तो? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने पांचभौतिक चिकित्सा मेरे गुरुजी वैद्यराज दातार शास्त्री जी से सीखी है, उसी तरह जैसे कि वैद्य रामदास जी आवाड़ है, सतीश जी भट्टड़ है, इन लोगों ने नाना जी से मतलब वैद्यराज प्रताप जोशी से पंचकर्म सीखे हैं, जैसे ही मैंने 1991 में नाना जी से सारे पंचकर्म सीखे उनके उसी धुलिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह के मैंने सीखे हैं। और वापस आने के बाद मैंने 2 साल तक पांचभौतिक के साथ पूरी जोर शोर से मैंने पंचकर्म वमन वासंतिक वमन शिविर भी ले लिए है। तो ऐसे नहीं कि मैंने पंचकर्म मैं नहीं करता हूं, लेकिन गए 25-28 सालों में मैंने पंचकर्म नहीं किए हैं, ये भी सत्य है। तो जितने भी व्याधि आते हैं तो वो सारे व्याधि मैंने अभी अभी एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कि तमक श्वास का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, वहां मैंने बताया था कि अगर तमक स्टेटस अस्थमेटिकस में एक रुग्ण आ जावे तो पंचकर्म वैद्य उसको लघु ओमन देगा, नीलकंठ रस से या फिर मदन फल से या फिर सिर्फ ज्येष्ठमध और वैखंड के क्वाथ से देगा। लेकिन अगर मैं पांचभौतिक विचार करता हूँ, स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट मेरे सामने बैठा है, तो मैं उसको दो ही चीजें करूंगा, आत्म लवण तेलेन, उसको तिल तेल और सैंधव गरम करके उसको स्नेहन करूंगा और रुक्ष स्वेद करूंगा पीठ और पुरस्थान में, और नागरादि कषाय का मुहुर मुहुर उसको 2-2 चम्मच हर 5 मिनट में दूंगा, और थोड़ा सा गोक्षुरादि गुगुल के 3-4 डोज दूंगा। अगर इतनी सारी मैंने दवाई दे दी तो स्टेटस अस्थमेटिकस का जो पेशेंट होता है उसका अवरोध निकल जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो बहु दोष उत्क्लेशित दोष ऐसी अवस्था में भी आप थोड़ा युक्ति से अगर पंचभौतिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो आसानी से आसान कल्पों में वो रुग्ण ठीक हो जाता है। जैसे मैंने जो 2-3 केसेस बोले थे, जैसे हार्ट लंग ट्रांसप्लांट केस होती है, क्वाड्रिप्लेजिया की केस है, ये सारी चीजें सच कहें तो पंचकर्म के अंडर बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है। लेकिन मैंने वहां पंचकर्म के बजाय पंचभौतिक चिकित्सा के ही द्रव्य अवस्थानुरूप दिए हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आयुर्वेद जिस तरह से जो व्यक्ति देखता है उसको उस तरह से उसके परिणाम स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप रिजल्ट भी देता है। वो पानी की तरह है, अगर आप घड़े में डालोगे तो घड़े का आकार आ जाएगा, उसको ग्लास में भरोगे तो ग्लास के हिसाब से उसका आकार। तो आयुर्वेद तो पानी की तरह है, देखने वाला या यूज करने वाला जो वैद्य होता है उसका काम है कि उसको किस तरह से हम प्रयोग करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं पंचकर्म नहीं करता हूं, लेकिन मैं सभी पंचकर्म आसानी अच्छी तरह से नाना जी से सीख आया हूँ, तो उसका वापस उपयोग भी मैंने किया था, लेकिन गए कुछ सालों में मैं पंचकर्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पंचकर्म के क्लिशित जैसे अवस्थाएं आती है तो वहां पंचभौतिक चिकित्सा के द्रव्य देकर उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं। थैंक यू सर, मैं भट्टर सर से विनंती करता हूँ कि वो अध्यक्षीय समारोह करें। भट्टर सर। धन्यवाद महेंद्र, आज के व्याख्याता वैद्य शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन भी। बहुत सिंपल भाषा में एक या दो दिन का व्याख्यान, एक घंटे में पंचभौतिक चिकित्सा का ज्ञान भंडार आपने हमारे सामने खोल कर रखा है। आदरणीय वैद्यराज दाता शास्त्री जी के दो मुख्य शिष्य में शिष्य जो है जो शैलेश जी और अनिरुद्ध जी, दोनों से मेरी मुलाकात अभी शैलेश जी ने बताया वैसे आदरणीय नाना जी के आई हुई 1991 में, हम साथ में 15 दिन ही रहे होंगे, लेकिन तब बनी हुई दोस्ती आज भी उतनी घनिष्ठ है, बराबर शैलेश जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद, सही कहा आपने। उसी वक्त बताया हुआ अम्लधर्मी क्षारधर्मी चिकित्सा और पंचभौतिक चिकित्सा का सिद्धांत अभी तक मैं भूला नहीं। इसी का मतलब यह है कि शैलेश जी एक अच्छे गुरु भी है। अरे सर, नाना, नमस्ते। नाना जी के यहाँ जब थे तब वो गुरु बंधु थे, लेकिन उन्होंने तब मुझे पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में जो बताया वो मेरे चिकित्सा में अभी भी काफी मात्रा में है। उसके बाद महेंद्र शिंदे ने जो दवा बनाकर दे रहे हैं हमको, तो हमारे प्रैक्टिस में काफी पंचभौतिक चिकित्सा आती है, जैसे वो नाम भी हमारे बहुत काफी नजदीक हुए, श्व फ पद्मकित अनुलोमक तेल। अनुलोमक तेल तो मेरे दैनंदिन चिकित्सा का पंचकर्म का अविभाज्य भाग है। अनुलोमक तेल बस्ती में हम ज्यादा यूज करते हैं, पंचकर्म में ज्यादा यूज करते हैं जी। इन दोनों की वजह से हम आदरणीय दाता शास्त्री को मुझे दर्शन भी मिला, उनके साथ कुछ घंटों तक मैं बिता सका, जो कुछ वो शैलेश जी की कृपा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिद्धांत ख्याल रखो, सिद्धांत क्या यूज किया, मैंने पंचकर्म क्यों किया या शैलेश जी ने पंचभौतिक चिकित्सा क्यों की, ये ख्याल में रखो। और आज शैलेश जी ने वही बताया सब, पंचभौतिक चिकित्सा का पूरा सारांश उन्होंने आपके सामने रखा हुआ है। ड्रग्स द्रव्य आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर पंचभौतिक विचार कैसा करना चाहिए वो आपके सामने रखा है। उन्होंने वात व्याधि के साथ साथ सभी व्याधि में क्या विचार करना है वो करना है। ये व्याधि को ये दवा, ये ऐसा आयुर्वेद नहीं, ये कोई भी चिकित्सा नहीं, ना पंचभौतिक चिकित्सा है ना पंचकर्म चिकित्सा है। दोषानुसार और पंचभूत के हिसाब से और प्रकृति अनुसार अपन ड्रग यूज कर सकते हैं। पंचभौतिक का एक मुझे बहुत पसंद आया जो कि कम से कम द्रव्यों में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना, मेरे ख्याल से बीसी कल्प ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी 80-90% डिसीज कवर किए हुए है। मेरे प्रैक्टिस में चिकित्सा में पंचभौतिक का मिजल्स और चिकन पॉक्स का जो सिद्धांत है उसका काफी यूज किया हुआ, परिपाठादि काढ़ा और जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो या हर्पिस पॉजिटिव हो या टॉस्टिस पॉजिटिव की केसेस हो तो उसमें ये जो सिद्धांत है उसका काफी उपयोग हुआ। मेरे ख्याल से शैलेश जी ने उसका उहापोह किया नहीं, पंचभौतिक चिकित्सा उसके सिवाय अधूरी है ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। उदर परीक्षण के लिए मुझे वापस आपके पास आना पड़ेगा, तब सिखाया उदर परीक्षण में शायद भूल गया हूँ।